हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जो मॉडल टेस्ट पेपर रिवाइज करने जा रहे हैं वो है पोर्शन हम लोग का स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो आज के क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस टर्म्स के पेपर में आए हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करना है वो सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। देखो क्वेश्चन नंबर वन इसमें क्या बोल रहा है, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। मैंने क्लास में आप लोग को पढ़ाया था और मैंने बताया भी था कि जो हिस्टोग्राम होता है इसके द्वारा हम लोग क्या चीज के बारे में जानते हैं, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज। तो मैंने बताया था कि हिस्टोग्राम जो है वो मॉड के बारे में बताता है। यहां पर देखो बोल रहा है टाइम सर्विसेज, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल। एक बात बताओ, मॉड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं लाइक दिस, ऐसे करके हम लोग जो है फाइंड करते हैं। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये गैप इसमें कुछ दिख रहा है क्या, गैप तो नहीं दिख रहा है। तो इसका जो आंसर है ये हम लोग का हो जाएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज। हिस्टोग्राम इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीरीज, आवर आंसर इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज। सेकेंड वन में आ जाइए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। आपको पता होगा कि जब कभी भी हम लोग ओजाइफ फाइंड करते हैं तो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप हम लोग जो है फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो हो जाएगा ओजाइफ। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओजाइफ। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हम लोग का हो गया ओजाइफ। थर्ड वन में आ जाइए, देखो यहां पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू, और फ्रीक्वेंसीज है इसके। बोल रहा है इन हाउ मेनी केसेस 4 और मोर एक्सीडेंट्स आर ऑकर। बोल रहा है कितने केसेस ऐसे जहां पे 4 या 4 से ज्यादा एक्सीडेंट ऑकर हुआ है। तो देखो ये हमारे एक्सीडेंट है जहां पे 4 या 4 से ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखो नंबर ऑफ एक्सीडेंट 4 या 4 से ज्यादा, तो जरा देखो तो एक बार 24 केसेस जो है 24 है, 5 एक्सीडेंट जो है वो 27 बार हुआ है, 6 का 18 है और 7 का 9। इन सबको ऐड कर लो तो भाई एक बार 24 प्लस 27 51 51 और 9 60 60 और 18 78। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 78। सिंपल कुछ नहीं करना है, 4 या 4 से ज्यादा केसेस हम लोग को देखना है जहां पे एक्सीडेंट ऑकर किया है तो सभी को हम लोग ऐड कर देंगे जहां पर 4 और 4 से ज्यादा का दिया हुआ है। नेक्स्ट वन देखो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। याद रखिएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ये सभी क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी इंटरेस्टिंग है, यहां पर क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है ऑफ क्लास 20-30, मतलब 20 to 30 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सिंपल कुछ मत करो भाई, देखो ये फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, यहां पे 4, अभी 4 और 6 मिलके ये हो जाएगा 10, अब 10 और 20 मिलके ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो 20 से 30 का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या आंसर आएगा, आवर आंसर इज 30। देख लो इसमें ऑप्शंस हैं 30, 20, 38 और none। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 30। अब इसके बाद वाला अगर होगा तो ये हमारा हो जाएगा 38, 30 प्लस 8 और लास्ट वाला जो हो जाएगा 38 प्लस 3, दैट इज 41। तो 20 से 30 बोल रहा है कि क्लास 20 से 30 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 20 से 30 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है, 30। होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट वन बोल रहा है एन ओजाइव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ,
ओजाइव क्या चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अन ग्रुप्ड डेटा या नन ऑफ दिस। तो ओजाइव के बारे में अभी अभी हमने बताया कि जब कभी भी हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन हम लोग को ओजाइव के हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओजाइव जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर आइटम ऑकर्स इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। क्लास इंटरवल में बोल रहा है पर्टिकुलर आइटम कितना टाइम्स आ रहा है, इसको मीन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नन ऑफ दिस। अभी अभी देखो यहां पर, देखो इसमें क्लास का फ्रीक्वेंसी है, देखो 0 टू 10 का इतना, 10 टू 20 का इतना, 20 टू 30 का इतना। सिमिलरली ये वाले केस में देख लो नंबर ऑफ एक्सीडेंट और कितना टाइम्स हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर आइटम ऑकर इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एड्स। द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट वन में आइए। अ सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट इन स्टैटिस्टिक्स इज। द करेक्ट आंसर इज पाई चार्ट। हम सबको पता है कि पाई चार्ट के अंदर में ये हमारा टोटल होता है, इस टोटल के अंदर में कौन कितना एरिया कवर कर रहा है, किसको कितना मिला, ठीक है, ये सारा का सारा चीज हमको पाई चार्ट के हेल्प से पता चलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। अब बोल रहा है डेटा आर सेट टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आप जाके कहीं से कोई डेटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो ऐसे डेटा को आप क्या बोलोगे? प्राइमरी डेटा बोलोगे, सेकेंडरी डेटा बोलोगे, या ये दोनों तरह का डेटा है, या इनमें से कुछ नहीं है? एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी डेटा। ऐसे डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कभी सबसे पहले कोई भी डेटा अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो ये डेटा हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है, और इस डेटा को फर्दर जब हम अपने फायदे के लिए या किसी और को उसके फायदे के लिए यूज कराना पड़ता है तो इसको हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं। नेक्स्ट वन देखो, बोल रहा है हिस्टोग्राम इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ। हिस्टोग्राम क्या बताता है? एरिथमेटिक मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, मॉड के बारे में, या इनमें से कुछ नहीं? यस, वेरी गुड, हिस्टोग्राम मॉड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मॉड के बारे में बताता है। नेक्स्ट वन देख लो, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सच सच इज क्लासिफाइड है। देखो x का वैल्यू 12 है, 17 है, 24 है, 36 है, 45 है, और फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया हुआ है। बोल रहा है ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इनमें से ये कुछ नहीं है। तो सिंपल सा चीज है, जरा इसको देखो, यहां पर ये 12 है, यहां पे 17 है, फिर 24 है, फिर 36 है, फिर 45 है। इसका मतलब ये क्या है? यहां पर इक्वल विथ नहीं है, तो ये हमारा डिस्क्रीट हो गया। क्या हो गया? डिस्क्रीट। बोल रहा है डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, या फिर यहां पर ए और बी में से कोई एक है या दोनों ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों का दोनों ही होता है। मेरे मैट में दिया हुआ था इस क्वेश्चन पे, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया था आप लोगों को। नेक्स्ट वन बोल रहा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम लोग क्या चीज के लिए यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या चीज के लिए यूज करते हैं? द आंसर इज हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम लोग हिस्टोग्राम के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? हिस्टोग्राम। नेक्स्ट वन देखो, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट। याद आ रहा होगा मेरे मैट में हमने सेम टू सेम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था।
कि धर्म के आधार पे जब कभी भी कोई भी डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, ये डेटा ऑलरेडी क्या है, हम लोग को पहले से मिला हुआ है, वहां से हम लोग ये पता करते हैं कि किस कम्युनिटी के कितने बंदे हैं यहां पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। तो इसका आंसर हम लोग का हो गया सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट वन देखो क्या बोल रहा है, इन कलेक्शन ऑफ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरव्यू मेथड। डेटा कलेक्ट करते समय में हम लोग को यह पता करना है कि इनमें से कौन सा इंटरव्यू मेथड है। पर्सनल इंटरव्यू मेथड है ये, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, पब्लिश डेटा ये इंटरव्यू मेथड का एक नहीं है, बोथ ए एंड बी। तो हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम द, यहां पर सी आई जो है इसका मतलब है क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। आंसर हो जाएगा इक्वल, मस्ट बी ऑफ इक्वल टाइप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रॉफिट मेड बाय एक्स वाई जेड बैंक इन डिफरेंट ईयर रेफर्स टू, नोटिस करना, अगर एक्स वाई जेड बैंक जो है प्रॉफिट कर रहा है डिफरेंट ईयर में तो ये एक एट्रीब्यूट है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल है, इनमें से कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ये कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि देखो हर साल क्या हो रहा है, ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हर साल प्रॉफिट होता जा रहा है, तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का जो प्रेजेंटेशन का मोड है वो टेक्सुअल है, टेबुलर है, ओरल है, बोथ ए एंड बी। तो आंसर टेक्सुअल और टेबुलर दोनों ही होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट वन बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास फ्रीक्वेंसी। गलत, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी तो ये होता नहीं है, ये होता है क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, दैट इज ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव कर्व गिव्स अस। आपको पता है कि लेस देन टाइप और ये मोर देन टाइप, इस तरह का जो ओजाइव जो होता है ये क्या देता है, इसके हेल्प से हम लोग को क्या पता चलता है, यस, इसके हेल्प से हम लोग को मीडियन के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, मीडियन के बारे में। तो ये हमारे इस तरह के टोटल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस थे। एक इसमें और क्वेश्चन मैं मेंशन करना चाहता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। एक क्वेश्चन आता है स्टब ऑफ अ टेबल इज, एस टी यू बी, स्टब ऑफ अ टेबल इज, स्टब ऑफ अ टेबल, ये क्या होता है। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के मैट में भी और मेरे वाले मैट में भी ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो स्टब ऑफ अ टेबल जो होता है, ये इसका आंसर है, स्टब ऑफ अ टेबल जो होता है ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, इट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल describing the rows, ये left part of the table होता है जो कि rows के बारे में describe करता है।
व्हाट इज स्टब क्वेश्चन देगा, स्टब ऑफ अ टेबल इज करके चार ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। द करेक्ट वन इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको जरूर से जरूर बना लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ दिस पर्सन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग वो वाला एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें बोल रहा है द एएम ऑफ टू नंबर इज 30, दो नंबर का एएम 30 है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑप्शन ए। तो देखो ऑप्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो यहां पे एएम में देखो इन दोनों नंबर का एएम देखो क्या 30 आ रहा है, 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, जरा देखो तो 60/2, यस 30 आ रहा है। जैसे ही 30 आएगा चेक कर लो कि क्या इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट दैट इज 12 × 48 इक्वल्स टू 24 आ रहा है क्या, चेक कर लो तो एक बार। तो ये 12 है, 48 ब्रेक करेंगे 12 × 4 में, ये हमारा हो रहा है 12 और 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 दैट इज 24, यस हो रहा है। इट मीन्स हमारा दोनों ही कंडीशन यहां सेटिस्फाइड हो गया, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी बाबले चेक कर लेते हैं, 46 और 14 का एएम तो आएगा 30 लेकिन जीएम 24 नहीं आएगा। सिमिलरली 10 और 50 का एएम 30 आएगा लेकिन जीएम नहीं आएगा, दैट इज वाई ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बोल रहे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम देयर मीन मीडियन मॉड नन ऑफ दिस। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सो द करेक्ट आंसर इज मीन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम देयर मीन, तो आंसर हो जाएगा हमारा मीन। नेक्स्ट वन देखो, यहां पर एमडी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ Q3 एंड Q1 दैट इज अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो हम लिखेंगे एज We know that QD equals to Q3 minus Q1 divided by 2. तो हमारा Q3 कितना है 40, Q1 कितना है 15 divided by 2. That is 25/2. Notice करना QD equals to हो गया 25/2. अब therefore MD equals to, याद रखिएगा हम सबको पता है कि SD, MD और QD का रिलेशन क्या होता है, we know that 4 SD equals to 5 MD equal to 6 QD, ये रिलेशन है हम लोग का 4 SD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 6 QD, ठीक है। ये याद रखिएगा SD, MD और QD का ये रिलेशन है, इस रिलेशन के हेल्प से हम कई सारे सम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग को सम्स में MD निकालना है विद द हेल्प ऑफ Q3 एंड Q1, तो Q3 और Q1 के हेल्प से हम QD निकाल दिए। अब MD बराबर, तो MD हमारा क्या है 5 MD इक्वल टू 6 QD है, ओनली MD क्या हो जाएगा 6/5 QD, तो यहां पर 6/5 इंटू QD का वैल्यू क्या है 25/2, बस 5 से 1 टाइम, 5 से 5 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 15। प्लीज जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये रिलेशन है, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है,
नेक्स्ट वन में आइए, फाइंड एमडी अबाउट मीन ऑफ सच सच एंड सच। तो सिंपल सा बात भाई, देख लो एमडी अबाउट मीन निकालना है तो ये नंबर्स है हमारे x, क्या क्या दिया हुआ है, 4, 5, 6 8 और 3। सबसे पहले इस टोटल नंबर को ऐड करो, समेशन x कितना हो रहा है देख लो, 11, 11, 6, 17, 22 और 4, 26। समेशन x हमारा आ गया 26। Therefore x bar equals to क्या होगा, summation x by n 26/5 that is 5.2। तो देखो x के हेल्प से अब हम लोग x bar निकालनी है। अब एक कॉलम हम लोग बनाएंगे यहां पे mod of x minus x bar का। देखो 4 से 5.2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1.2, यहां 0.2, ये 0.8। हम सबको पता है मॉड के अंदर में पॉजिटिव नंबर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव होता है। 8 माइनस दिस, दिस इज 2.8, 3 माइनस दिस, दिस इज 2.2। सबको ऐड कर लो यहां पे, समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 7.2। समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार कितना आ रहा है, 7.2। देयरफोर एमडी अबाउट मीन बोला है, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो एमडी अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो ये टोटल हमारा है 7.2 और n हमारा कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, सो दिस इज 5। सॉल्व होने पे कितना आ रहा है, 1.44 अप्रॉक्स। देखो तो यस ऑप्शन सी, सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम सम हमने अपने मैट में करवाया था, नेक्स्ट वन आइए, द मीन एंड सीवी इज 20 एंड 80, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरियंस। देखो एज मीन इक्वल्स टू दिया है 20 एंड सीवी इक्वल्स टू दिया है 80, अपने को वेरियंस निकालना है। तो वी नो दैट सीवी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एस डी इन 200 बाय मीन, एस डी इन 200 बाय मीन। सी बी हमारा है 80, एस डी नहीं पता, इन 200 बाय मीन कितना है 20, 20 से 1 टाइम, 20 से 100 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 80 16 टाइम। नोटिस करिएगा एस डी हमारा आ गया है 16। हम लोग को निकालना है वेरियंस, दैट इज एस डी का होल स्क्वायर। वेरियंस क्या होता है, एस डी का होल स्क्वायर, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो अगर एस डी 16 है तो एस डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का होल स्क्वायर, दैट इज यस 256। दिस इज द आंसर 256, दिस इज द आंसर। होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। सिंपल, देखो मीन और सीवी के हेल्प से हम लोगों को वेरियंस निकालना था। तो मीन 20 है, सीवी 80 है, सीवी का फॉर्मूला हम लोग को पता है एस डी इन 200 बाई मीन होता है। तो यहां पर सीवी है 80, एस डी हम लोग को फाइंड करना है, 100 डिवाइडेड बाई मीन 20 दिया था। सॉल्व करने पे एस डी हमारा 16 आ गया, तो वेरियंस हमारा एस डी का होल स्क्वायर, दैट इज 256। देखो काफी इंटरेस्टिंग सम, फाइंड एस डी ऑफ सच सच एंड सच। देखो इस टाइप का कोई भी सम्स अगर आता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक्स लिख के जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन, ये नंबर लिखने के बाद ये x है, x के हेल्प से एक कॉलम हमारा तैयार होगा x स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिस वन इज 16, हियर इट इज 25, देन दिस वन इज 36, ये हमारा हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 64 एंड दिस वन इज 81। अभी एस डी फाइंड करना है, एस डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब देखो एक बार, समेशन एक्स कितना हो रहा है, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 और ये हमारा हो गया 45। 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 अब हमारा समेशन एक्स स्क्वायर देख लो भाई कितना हो रहा है, 14, 30, 55, 91, 140, 204 285। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, राइट है कि नहीं, यस 285 ठीक है। अच्छा अब देखो, समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे 285 और n की जगह लिखेंगे 9। इसी तरह समेशन x हमारा है 45 और n है हमारा 9 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। ये हमारा हो रहा है 285/9 माइनस, ये 9 से 5 टाइम्स जा रहा है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/1। अभी एलसीएम लिए 9, ये हो गया 285 माइनस 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225। सॉल्व होने पे ये कितना आ रहा है 60/9। देखो 3 से ये 3 टाइम, 3 से ये 20 टाइम्स, तो देखो हमारा एस डी कितना आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड एस डी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 20/3। क्या आंसर आ रहा है, रूट ओवर ऑफ 20/3, दिस इज द आंसर। चेक कर लो भाई हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो, यस ऑप्शन ए रूट ओवर ऑफ 20/3 आ रहा है, आ रहा है। अब एक चीज ध्यान देना यहां पर कि अगर इस टाइप का कोई भी सम्स अगर आता है, ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से इतना लंबा चौड़ा मेथड से सॉल्व करेंगे। आप एक चीज देखो कि इस सम्स को सॉल्व करने में मिनिमम 3 to 4 मिनट्स चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को याद होगा कि यहां पे जो नंबर दिख रहा है, क्या नंबर दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या ये नेचुरल नंबर है, यस ये नेचुरल नंबर है। इसके लिए हमने डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, एस डी ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज एन स्क्वायर माइनस 1/12। अब देखो यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एन का स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस 1/12 का स्क्वायर रूट कर लो भाई, 81 - 1 दैट इज 80/12 का स्क्वायर रूट। देखो तो एक बार, 4 से ये 3 टाइम, 4 से ये 20 टाइम, तो क्या आंसर हमारा 20/3 डायरेक्ट वर्बली आ गया क्या। नोटिस करिएगा, इस सम्स को हमने एक लाइन में सॉल्व कर दिया, इसके लिए हम लोग को इतना लंबा चौड़ा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था एस डी ऑफ एन नेचुरल नंबर हमारा
रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है और इसका वेरियंस ओनली एन स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। सिमिलरली हमने एफ डी ऑफ ऑड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर दोनों के लिए फॉर्मूला बताया था, रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस 3 एन स्क्वायर माइनस 1/3, और वेरियंस अगर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, एस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ओनली एन स्क्वायर माइनस 1/3। तो होप ये वाला क्वेश्चन आसानी से आप लोगों से बन गया होगा, समझ में भी आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एस डी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर सच 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 इज 2.45, ये कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इसका एस डी दिया हुआ है 2.45। अब बोल रहा है क्या कि इफ 10 बी एडेड टू ईच नंबर, अगर हर एक नंबर में हम 10 एड कर देंगे तो हमारा नया वाला एस डी क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि एस डी के अंदर में कुछ भी नंबर एड करो या कुछ भी माइनस कर दो, जो ओरिजिनल एस डी है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इट मीन्स हमारा एस डी जो है रिमेन्स अनअफेक्टेड होगा। तो जो पहले वाला 2.5 था अभी भी 2.45 ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी, दैट इज एस डी रिमेन्स अनचेंज। याद रखिएगा मेजर्स ऑफ दिस पर्सन में रेंज हो, एमडी हो, क्यूडी हो या एसडी हो, इन सभी के ऊपर ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ओरिजिन का इंपैक्ट बोले तो प्लस करो या माइनस करो, किसी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ स्केल का इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रियल एसडी क्यूडी एमडी या रेंज, मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर हो जाएगा, और इसी तरह डिवाइड में भी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, होप अच्छे से समझ में आ गया ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही दे रहा है, इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 5 देन एसडी इज इंक्रीज बाय 5 एमडी इंक्रीज बाय 5 क्यूडी इंक्रीज बाय 5 नन अफेक्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन अफेक्टेड, किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी के सभी रिमेन्स अनचेंज, जो थे वही रहेंगे। यहां पे बोल रहा है मीन 15 है, एस डी 9 है, सीवी निकालना है। अभी अभी सीवी का फॉर्मूला हम बताए थे, एज सीवी इक्वल्स टू एस डी इन 200 बाय मीन होता है। तो हमारा एस डी कितना है 9 इन 200 और मीन कितना है हमारा 15, तो 9 बाय 15 इन 200 देखो कहां है 9 बाय 15 इन 200 यस ऑप्शन डी, ये वाला मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट वन देखो, मीन दिया है 14, एसडी दिया है 5, सीवी निकालना है। सेम टू सेम एस सीवी इक्वल्स टू, वहां सॉल्व नहीं किया था, यहां सॉल्व करके वैल्यू दिया है। तो एसडी इन 200 बाय मीन, एसडी हमारा कितना है 5 इन 200 बाय मीन कितना है 14। चलिए भाई 500 डिवाइडेड बाय 14 सॉल्व करो एक बार, 500 डिवाइडेड बाय 14 देखो कितना हो रहा है 35.71 इक्वल्स टू 35.71। हम सबको पता है कि सीवी जो है वो परसेंटेज में होता है, तो इसको परसेंटेज में लिख दीजिए भाई। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। होप 1 to 10 सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे इसका। फाइंड मीडियन ऑफ, देखो जनरली इस टाइप का सम नहीं देता है लेकिन कभी कभी ऐसा दे भी देता है, तो इसका मीडियन निकालना है। हमने बताया था आप लोगों को कि मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं उसको ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं। देखो यहां पे सभी नंबर्स को ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है, तो हम लोग यहां पर डायरेक्ट मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। मीडियन क्लास मैंने फॉर्मूला बताया था एन प्लस 1/2, ऑड नंबर हो इवन नंबर हो हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एन प्लस 1/2। अभी देखो एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
टोटल है 14, तो 14 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 15 बाय 2, इट मीन्स 7.5 वैल्यू. तो रिक्वायर्ड मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मीडियन क्या हो जाएगा, अगर यहां डायरेक्ट 7 आता तो यहां से जो सेवेंथ वैल्यू है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 10 हमारा आंसर हो जाता. लेकिन ये 7.5 है, इसका मतलब 7.5 बिटवीन 7 और 8 के बीच में लाई करता है, तो 7th प्लस 8th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो 7th वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th वैल्यू हमारा 10 है और 8th वैल्यू हमारा 11 है. सो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा हो गया 21 बाय 2. 21 बाय 2 का मतलब हो गया 10.5. दिस इज द आंसर. चेक करो तो 10.5 दिया हुआ है क्या, 10.5 ऑप्शन में है क्या? यस, 10.5 ऑप्शन नंबर ए है. सिंपल क्या किए, जो नंबर्स था अगर ये ऑर्डर वाइज अरेंज नहीं होता तो पहले इसको हम आइदर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अभी अरेंज करने के बाद मीडियन क्लास का फॉर्मूला एन प्लस 1 बाय 2 होता है. अभी 7.5 आया, तो 7.5 चूंकि 7 और 8 के बीच में लाई करता है, तो रिक्वायर्ड मीडियन हमारा 7th वैल्यू प्लस 8 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. होप अच्छे से समझ में आ गया ये भी. नेक्स्ट वन में आइए. द मीन ऑफ 20 आइटम ऑफ डेटा इज 5. बोल रहा है क्या कि 20 आइटम का मीन कितना है, 5 है. इफ ईच आइटम इज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हर एक आइटम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन न्यू मीन इज. मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी कराया था जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने टोटल एरिथमेटिक मीन के अंदर में 5 प्रॉपर्टी बताया था. पहला बताया था सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन ऑलवेज 0. सेकेंड वन हमने बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी रहेगा अगर उसका मीन 5 है और हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 एड करेंगे तो नया वाला मीन में भी हम 3 ऐड कर देंगे, दैट इज 5 प्लस 3, इट मींस 8 हो जाएगा अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में. तीसरा नंबर बताया था कि हम 2 माइनस करेंगे और ओरिजिनल मीन अगर 5 है तो नया वाला मीन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3. इसी तरह मल्टीप्लाई अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को जिस नंबर से कर रहे हैं ओरिजिनल मीन को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड के केस में भी यही आएगा. तो यहां पर 20 आइटम का मीन अगर 5 है और हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन इक्वल्स टू यस 5 × 3 दैट इज 15. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है 15, ऑप्शन सी. देखो कितना इजी इजी क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस टर्म के एग्जाम में, इससे कहीं दुगना टफ सम्स हम लोगों ने अपने क्लास में किए हैं सॉल्व. तो इस टाइप का कोई भी सम्स अगर आएगा तो मैं आशा करता हूं कि बच्चे आसानी से इसको बना लेंगे. यहां देखो जीएम निकालना है तो 3 × 6 × 24 × 48, टोटल 4 नंबर है तो पावर में 1/4. अब देखो ब्रेक करो ये 3, ऐसे ही 6 को 3 × 2 में, 24 को 2 × 4 × 8 × 3 = 24. सिमिलरली 48, 2 × 4 × 8 × 16 = 48, पावर में 1/4 और ये पूरा रूट ओवर. अब जरा देखो यहां पे 3 कितना टाइम्स आया है, तो 1, 2, 3, 4, मतलब 3 यहां 4 टाइम्स है. इनटू 2 कितना टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 हमारा 8 टाइम्स आया है. इस टोटल का पावर में 1/4 कर दो, अब देखो एक बार
अच्छा एक में हम लोग इसमें तो पावर जब 1/4 कर दे रहे हैं तो रूट तो लगाने का जरूरत नहीं है हम लोग को, सॉरी ये रूट लगाने का जरूरत नहीं है हम लोग को, ये रूट हम लोग का हट जाएगा क्योंकि डायरेक्ट nth रूट a होता है, ये हम लोग हटा दिए। एक सेकेंड इसको फिर से करते हैं, सिंपल देखो जीएम है ना ये, तो जीएम इक्वल्स टू डायरेक्ट हम कर रहे हैं 3 × 6 × 24 × 48 का पावर 1/4। एनएथ रूट ए होता है जीएम का फॉर्मूला, तो यहां पे इतना अभी ये 3 की जगह 3, 6 को हमने 3 × 2 किया, 24 को 3 × 2 का क्यूब कर दिया और 48 को 3 × 2 का पावर 4 कर दिया, पावर में 1/4। अभी ये हमारा 3 का पावर 4 हो गया, 1, 2, 3, 4 और यहां 2 का पावर 1 और 3, 4 और 4, 8, 2 का पावर 8, टोटल का पावर है ये 1/4। अभी सिंपल एबी का स्क्वायर, क्या हम इसको 3 का पावर 4 × 1/4 × 2 का पावर 8 × 1/4 ऐसे लिख सकते हैं? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इस 4 से ये 4 गया, इस 4 से ये 2 टाइम्स गया, तो यहां क्या बच रहा है 3 का पावर 1 और यहां क्या बच रहा है 2 का पावर 2, दैट इज 3 × 4, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12। दिस इज द आंसर, क्लियर हो गया। ये इस टाइप के भी सम हमने किए थे। नेक्स्ट वन देखो फॉर्मूला, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन ऑलवेज इक्वल्स टू 0, अभी अभी प्रॉपर्टी बताए थे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी, भाई जरा देखो इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। मीन यस सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन ये भी है, मॉड ये भी है, एकमात्र जो एमडी है That is mean deviation, यही है जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के परिवार का सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एमडी। देखो नेक्स्ट वन, इफ रेंज इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द सेट इज 83, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट। रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एज रेंज इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। अभी देखो हमारा रेंज कितना दिया हुआ है 65, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 83, मिनिमम वैल्यू निकालना है, बस 65 माइनस 83 इक्वल्स टू माइनस मिनिमम वैल्यू। अभी देखो इससे माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 18, दिस इज द आंसर, मिनिमम वैल्यू इज 18, यस ऑप्शन सी। होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर इसी का कोएफिशिएंट निकालना होता तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100 कर देते हैं। नेक्स्ट वन आइए, कंबाइन मीन निकालना है, तो एक्स बार इक्वल्स टू एन वन इंटू एक्स वन बार प्लस एन टू इंटू एक्स टू बार प्लस एन थ्री इंटू एक्स थ्री बार डिवाइडेड बाय एन वन एन टू प्लस एन थ्री। अभी हमारा एन वन कितना है 50, इंटू एक्स वन बार कितना दिया हुआ है 12, एन टू कितना है 60, इंटू एक्स टू बार कितना है 15, एन थ्री कितना है 90, इंटू एक्स थ्री बार कितना है 20,
होल डिवाइडेड बाय एन वन एन टू और एन थ्री। एन वन हमारा कितना है 50 प्लस 60 प्लस 90। अभी मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस 600, दिस इंटू दिस 900, दिस इंटू दिस सॉरी 1800 होल डिवाइडेड बाय 200। अब देखो 15 और 18 कितना हो रहा है 3300 डिवाइडेड बाय 200 एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 16.5। तो हमारा कंबाइंड मीन क्या हो जा रहा है 16.5। चेक कर लो भाई आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन रखो भाई 15.5, 18.5, 16.5 एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी दैट इज 16.5। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हमने बताया था, अगर दो अगर रहता है हम ग्रुप जैसे दैट इज ग्रुप ए ग्रुप बी, तो x बार का फॉर्मूला n1 वन इंटू एक्स वन बार प्लस n2 टू इंटू एक्स टू बार डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू होता है। यहां पर तीन है तो बस n1 वन इंटू एक्स वन बार प्लस n2 टू इंटू एक्स टू बार प्लस एन थ्री इंटू एक्स थ्री बार डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। सम नंबर 18 इफ वेरियंस ऑफ दिस 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 इज 11। ध्यान देना वेरियंस ऑफ 5, 7, 9 and 11 is 4. तो इंफॉर्मेशन है एस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। अगर सिग्मा स्क्वायर 4 है तो एस डी हमारा क्या हो जाएगा 2। अपने को सीबी निकालना है तो सीबी का फॉर्मूला एस डी इंटू 100 बाई मीन होता है। तो यहां एस डी तो पता है लेकिन मीन नहीं पता है, तो देयरफॉर यहां पर एक्स करके एक्स बार क्या हो जाएगा इस टोटल का सम 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4। टोटल कितना हो जा रहा है एक बार देखो 20 और यहां पर ये 36 बाय 4 से 1 टाइम 9। तो हमारा मीन कितना हो गया भाई, मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स बाय एन होता है। तो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4, ऐड किया हमने टोटल को तो 36 बाय 4 दैट इज 9। तो मीन हमारा अब 9 आ गया। देयरफॉर सीवी इक्वल्स टू एस डी इन 200 डिवाइडेड बाय मीन। तो 2 × 200 डिवाइडेड बाय मीन का वैल्यू क्या है 9। देखो हमारा क्या आंसर आ रहा है इसका, यहां पर देखो एक करेक्शन है 5 + 7 = 12 और 9 21 11 32 होता है, यहां पर 36 लिखा है तो ये 32 बाय 4 तो ये हमारा 8 हो जाएगा, दिस इज 8। तो एस डी इन 200 बाय मीन, सो दिस डिवाइडेड बाय 8, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 4 टाइम, 4 से ये 1 टाइम, ये हमारा 25 सॉरी 25। तो रिक्वायर्ड सीबी क्या हो जाएगा हम लोग का, रिक्वायर्ड सीबी इक्वल्स टू 25। दिस इज द आंसर, चेक कर लो एक बार कौन सा करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है, ऑप्शन बी। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको भी।
वेरिएंस स्कोर दिया था, वेरिएंस के हेल्प से एसडी निकाले, अभी हम लोग को सीवी निकालना है तो उसके लिए मीन की जरूरत है, तो एक्स बार एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाई एन दैट इज 32/4, ये 8 आ गया, सीवी का फॉर्मूला एसडी इन 200 बाई मीन। देखते को बोल रहा है इफ इन अ मॉडरेटली एस्क्यूट डिस्ट्रीब्यूशन, एस्क्यूट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया था कि मीन मॉड और मीडियन का रिलेशन क्या होता है, वी नो दैट इन अ मॉडरेटली एस्क्यूट डिस्ट्रीब्यूशन मीन माइनस मॉड इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। मीन कितना है यहां पे 35.4, मॉड कितना दिया है 32.1, यहां पर 3, मीन का वैल्यू 35.4 माइनस मीडियन। चलो भाई कैलकुलेटर में कर लें इसको, तो 35.4 माइनस 32.1 इक्वल्स टू 3.3, और यहां कितना हो रहा है ये 35.4 इंटू 3 इक्वल्स टू 106.2 माइनस 3 मीडियन, और 3.3 माइनस 106.2 इक्वल्स टू माइनस 3 मीडियन। अभी 106.2 माइनस 3.3 कितना हो रहा है, दिस माइनस दिस हमारा आ जाएगा ये माइनस 102.9 इक्वल्स टू माइनस 3 मीडियन। अभी ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 102.9 डिवाइडेड बाय 3, दिस डिवाइडेड बाय 3 34.3, क्या आंसर आ रहा है हमारा 34.3। यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देखो हमारा ऑप्शन ए सेम टू सेम आ रहा है 34.3। देखो एस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मॉड और मीडियन का रिलेशन होता है, मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। अभी यहां मॉड और मीन दिया हुआ था, इसके हेल्प से हमने मीडियन निकाला, इस तीन में हमेशा कोई दो वैल्यू दिया रहता है उसके हेल्प से हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं, और यही अगर मान लो एस्क्यूड या फिर अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना बोल के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता, क्या बोलता सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर मीन मीडियन और मॉड तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, सेम टू सेम सम हम लोगों ने किया हुआ है। अब देखो यहां पर बोल रहा है इफ द एसडी फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मंथली टेस्ट इज 36, एसडी 36 है तो इसका वेरिएंस कितना होगा, तो सिंपल एज एसडी इक्वल्स टू 36 दिया हुआ है तो वेरिएंस बराबर SD का होल स्क्वायर दैट इज 36 का होल स्क्वायर, तो 36 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, यस 1296, दिस इज द आंसर 36 का होल स्क्वायर 1296, चेक कर लो भाई 36 इंटू 36, यस 1296, दिस इज द आंसर। अब देखो If the mean of the following distribution is 6, then the value of P is, ये हम लोग का central tendency और measure of dispersion का last sum है, इसके बाद हम लोग next topic that is correlation and regression वो वाला करेंगे। तो देखो यहां पर x का value दिया है, f का value दिया है, तो हम सबको पता है कि
कि ये वाला वेटेड वाला सम्स है तो एक कॉलम हम एफएक्स का बना लेंगे, दिस इंटू दिस ये हो जाएगा 6, दिस इंटू दिस ये हो जाएगा 8, दिस इंटू दिस 18, दिस इंटू दिस 10 और ये हमारा 2p+10। तो देयरफॉर एक्स बार इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है समेशन एफएक्स बाय समेशन एफ, मीन कितना दिया हुआ है सम्स में, मिसिंग टर्म निकालना है, मीन है हमारा 6 तो एक्स बार की जगह पे 6, समेशन एफएक्स कितना हो जा रहा है भाई ऐड करो 14, 24, 42, 52, तो ये 2p+52 डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना हो रहा है भाई 5, 8, 9, 11 बाय दिस। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 66 इक्वल्स टू 2p+52 और 52 इधर आ जाएगा तो 66 माइनस 52 इक्वल्स टू 2p। और 14 इक्वल्स टू 2p, ओनली p कितना हो जाएगा 14/2 दैट इज 7। देखो तो आंसर आ रहा है क्या, यस ऑप्शन ए 7 आ रहा है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के अंदर में सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ दिस पर्सन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस टर्म्स में आए हुए थे ये सारे के सारे हम लोगों ने यहां पे सॉल्व किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। क्या करने जा रहे हैं, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। तो देखो इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या आया है, तो बोल रहा है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ। अभी देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं, डर इस तरह से जाते हैं कि भाई अरे चलो अभी ये एक्स और वाई है, मतलब एक कॉलम एक्स स्क्वायर का, फिर एक वाई स्क्वायर का, फिर एक्स वाई का, तब आर का वो जो लंबा वाला फॉर्मूला है उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। नहीं, देखो जब भी इस टाइप का सम्स खास करके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिया रहता है तो वहां पर एक ट्रिक होता है, हमने उस ट्रिक को पहचानना है और देखना है। तो यहां ध्यान से जब हम लोग देख रहे हैं तो x का वैल्यू 5, 4, 3, 2, 1 और y का वैल्यू देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ठीक इसका रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, याद रखिएगा जब x का जो वैल्यू है और y का जो वैल्यू है एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। मतलब देखो यहां पर 5, 4, 3, 2, 1 है और यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब यहां पर जो दोनों एक्स और वाई है दोनों सीरीज इसके बीच में जो हमारा रिलेशन जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, ठीक इसका रिवर्स ऑर्डर में वाई का वैल्यू दिया हुआ। तो जब भी इस तरह का कोई भी सम्स है जहां एक्स का वैल्यू जो है वाई वाले में रिवर्स ऑर्डर में दिया रहता है तो इन दोनों के बीच में एक्स और वाई के बीच में परफेक्ट डिसएग्रीमेंट होता है। क्या होता है, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट होता है। तो जब कभी भी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट डिसएग्रीमेंट वाला रिलेशन हो तो वहां पे आर का वैल्यू -1 होता है, और यही अगर परफेक्ट एग्रीमेंट होता तो आर का वैल्यू +1 हो जाता है। और जब कभी भी दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई डायरेक्शनल रिलेशन नहीं होता है तो वहां पर 0 कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो चूंकि यहां पर एक्स और वाई के बीच में परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है क्योंकि एक्स का जो वैल्यू है वाई में ठीक उसका उल्टा फॉर्म में करके दिया हुआ है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमारा जो रिलेशन है वो परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है, सो द वैल्यू ऑफ आर इज -1। नेक्स्ट वन आइए, बोल रहा इफ इन अ स्कैटर डायग्राम लाइन मूव्स फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, सपोज मान लो ये हमारा स्कैटर डायग्राम ऐसा है और लाइन हमारा जो है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट ऐसे जा रहा है, तो ये अगर अपर ऐसे अगर जा रहा है तो हमारा कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, नो कोरिलेशन है या नन ऑफ दीज है,
तो ऐसा जब भी हमारा डायग्राम होता है, ये हमारा परफेक्ट पॉजिटिव होता है. क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव, दैट इज ऑप्शन ए. व्हेन ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, देन देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन. नेक्स्ट वन बोल रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द टू रेग्रेशन लाइन आर सच एंड सच, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज. यहां पे हम लोग को ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग को आर फाइंड करना है. वी नो दैट आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये होता है. अब एक चीज देखो, हमने आप लोगों को क्लास में सिखाया था कि जब कभी ऐसा कोई भी इक्वेशन हो तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसको हम लोग को एक्स ऑन वाई लेना है, किसको हम लोग को वाई ऑन एक्स लेना है. तो इन दोनों में पहले कंपेयर करो किसका कोएफिशिएंट बड़ा है. तो इसमें वाई का कोएफिशिएंट बड़ा है. अब एक बार इसमें भी चेक कर लो, इसमें किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, तो इसमें एक्स का कोएफिशिएंट बड़ा है. बस अब आसान हो गया. जब कभी इंडिविजुअली दोनों में आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जैसे पहले वाले में वाई का कोएफिशिएंट बड़ा है और दूसरे वाले में एक्स का कोएफिशिएंट बड़ा है, तो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है वो वाला इक्वेशन है. इसमें एक्स का कोएफिशिएंट बड़ा है, इट मींस ये हमारा एक्स ऑन वाई हो गया. इसमें वाई का कोएफिशिएंट बड़ा है, इट मींस ये हमारा वाई ऑन एक्स हो गया. अदरवाइज इन दोनों में से किसी एक से तुम बी एक्स वाई निकालो, दूसरे से बी वाई एक्स निकालो, आर का वैल्यू अगर सेटिस्फाई करेगा तो एग्जम्पशन राइट है. अगर आर का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट मींस हमारा एग्जम्पशन गलत है. ठीक है, तो देखो क्योंकि यहां पे हमको आइडेंटिफाई करना आता है, इसमें हम पहचान गए कि ये वाला हमारा बी वाई एक्स है. तो इसके हेल्प से हमारा बी वाई एक्स कितना हो जाएगा, अगर हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x. माइनस माइनस कैंसिल, ओनली y हो जाएगा 2 बाई 3. तो बी वाई एक्स हमारा हो जाएगा 2 बाई 3x. तो बी वाई एक्स का वैल्यू हमारा आ रहा है 2 बाई 3. सिमिलरली इसके हेल्प से अब हम अगेन, अभी ये अगर हमारा एक्स ऑन वाई है तो 4y माइनस 5x अगर 0 है तो माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 4y हो जाएगा. ओनली x क्या हो जाएगा, 4 बाई 5y. ये हमारा बी एक्स वाई हो गया. तो देयरफोर बी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 बाई 5. और यहां बी वाई एक्स हमारा आया था 2 बाई 3. तो बी एक्स वाई की जगह पे 4 बाई 5 पुट कर दो भाई. अभी मल्टीप्लाई करो, 4 × 8/15. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. देखो 8/15 आ रहा है क्या? यस आ रहा है. नोटिस करिएगा यहां पर 15/8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा. 6/15 देखो ये भी हमारा यहां पर नहीं हो रहा है. और 1/15 एकमात्र 8/15 देखो जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, that is 8/15. So here the correct answer is option B. Simple, जब भी इस type का समय, मैंने अभी अभी जो trick बताया आप direct उससे करोगे. R जब भी हम लोग को दो equation के help से निकालना रहता है तो R का formula होता है root over of bx y into by x. तो इन दोनों से पहले आप identify करोगे कौन सा हमारा x on y है, कौन सा हमारा y on x है. जो x on y है वहां से आप bx y निकालोगे, जो y on x है वहां से आप by x निकालोगे. तो इन दोनों को जब हम कंपेयर किए तो इसमें y का कोएफिशिएंट बड़ा आ रहा है, इसमें x का कोएफिशिएंट बड़ा है. बस आसानी से हमको पता चल गया कि जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है वही वाला इक्वेशन है. तो यहां पे y का कोएफिशिएंट बड़ा था तो ये हमारा y ऑन x हो गया, और यहां पर x का कोएफिशिएंट बड़ा है तो ये हमारा x ऑन y हो गया. बस इसके हेल्प से आप बी वाई एक्स निकाले, इसके हेल्प से आप बी एक्स वाई निकाले, वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया. चलिए नेक्स्ट में आ जाइए. होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ये. अब यहां पे बोल रहा है द टू रेग्रेशन लाइन आर सच एंड सच, फाइंड आर एक्स वाई, सेम टू सेम सम. फिर से भाई देखो,
इन दोनों में किसका कोफिशियंट बड़ा है? एक्स का। अभी इन दोनों में किसका बड़ा है? यहां भी एक्स का। अब देखो दोनों में ही अगर एक्स का बड़ा होगा तो दोनों तो एक्स ऑन वाई होगा नहीं। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो यहां पर देखो एक्स और वाई का जो कोफिशियंट है दैट इज 3:2, इसका रेशियो क्या है? ये हमारा 1.5:1 आ रहा है। अब इन दोनों में देखो रेशियो क्या है? 6:1, दैट इज 1:6। ये 1:1.5 और ये 1:6। अब इन दोनों में ये 1.5 और ये 6 में, क्योंकि इन दोनों में x वाला बड़ा था, इन दोनों में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो किसका कोएफिशिएंट बड़ा दिख रहा है? 6 बड़ा है। इट मींस ये वाला जो है हमारा x on y हो गया। तो एज 6x + y = 31, कॉन्स्टेंट टर्म को हटा देते हैं और 6x = -y, ओनली x हो जाएगा -1/6y, देयरफॉर बी एक्स वाई हमारा आ रहा है -1/6। ठीक है, अब अगर ये वाला हमारा एक्स ऑन वाई है तो ऊपर वाला अपने आप क्या हो जाएगा? वाई ऑन एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों तो एक्स ऑन वाई होंगे नहीं। याद रखिएगा जब भी इस टाइप का कोई सम आए, अगर दोनों ही कोएफिशिएंट पहले वाले और दूसरे वाले में या तो एक्स या वाई बड़ा दिखाई दे रहा है तो हम इन दोनों से कंपेयर करेंगे। जैसे इसमें भी एक्स बड़ा है, इसमें भी एक्स बड़ा है, तो अब इसके एक्स वाले को कंपेयर करेंगे। तो 3 और 6 को अगर हम देख रहे हैं तो 6 हमारा बड़ा दिख रहा है, ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे, रेशियो वाइज कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो रेशियो वाइज 3:2 दैट इज 1.5:1 और इसको कंपेयर किए तो 6:1 आ गया। अब 1.5 और 6 में 6 बड़ा है, दैट इज वाई ये हमारा x on y हो गया। जैसे ही ये हमारा x on y होगा ऊपर वाला अपने आप y on x हो जाएगा। तो अगेन एज 3x + 2y = 26 दिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये हमारा x on y था तो हम x निकालें, तो जब अगर ये y on x होगा तो हम y बराबर निकालेंगे तो 2y हो जाएगा -3x, ओनली y क्या होगा -3/2x, देयरफॉर बी वाई एक्स इक्वल्स टू -3/2। नोटिस करना बी एक्स वाई अगर हमारा नेगेटिव निकलेगा तो बी वाई एक्स मस्ट बी नेगेटिव ही आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये नेगेटिव आए और ये पॉजिटिव आए। अगर ऐसा होगा तो सम हमारा इनवैलिड हो जाएगा। याद रखिएगा आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इन तीनों का साइन हमेशा सेम होता है, तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई हमारा है -1/6 और बी वाई एक्स है -3/2। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 3/12 का स्क्वायर रूट ये हमारा आ रहा है 1/4, 1/4 दैट इज 1/2। ये जो 1/2 आ रहा है नोटिस करिएगा, ये साइन भी नेगेटिव था, ये साइन भी नेगेटिव है, ये हमारा प्लस माइनस हाफ आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर आर इक्वल्स टू -1/2 दैट इज -0.5। याद रखिएगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हमारा नेगेटिव था इसलिए आर भी नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता तो आर को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा -0.5। क्या आंसर हो जाएगा? यस, -0.5। होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया, ये भी कॉपी कर लो एक बार इसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आर एक्स वाई का वैल्यू दिया है अपने को, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच का हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सिंपल देखो, एज आर एक्स वाई इक्वल्स टू 0.5 दिया है तो अब देखो इन दोनों में देखो एक्स का जो हमारा कोएफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यस, ये हमारा पॉजिटिव है,
तो एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया और वाई का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, ये माइनस है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन, ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा माइनस 0.5। क्या आंसर हो जाएगा, माइनस 0.5, दैट इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा जब भी इस टाइप का कोई भी सम आए, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर आ रहा है तो आंसर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहां मान लो 2x माइनस 3 की जगह 2x माइनस 4 होता और यहां 3 माइनस 5y की जगह 3 माइनस 2y होता तो भी हमारा आंसर सेम टू सेम, अगर ये 0.5 है तो आंसर माइनस 0.5, अगर ये 0.7 होता तो आंसर माइनस 0.7 हो जाता। ठीक है, सिंपल इस टाइप का सम किए हुए थे हम लोग। नेक्स्ट वन बोल रहा है द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट, हमने बताया था दो लाइन ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को एक्स बार और वाई बार के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब मीन के ऊपर, आंसर हो जाएगा मीन। द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर सच एंड सच देन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, नोटिस करो अभी अभी हमने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाला था आर फाइंड करने के लिए, वहां पे ट्रिक यूज किए थे, सेम टू सेम वही सम्स है। यहां पर दो इक्वेशन देके हम लोग को पूछ रहा है कि दोनों में से पहचान कौन, मतलब कौन सा वाई ऑन एक्स है और कौन सा एक्स ऑन वाई है। उस सम्स में दो इक्वेशन के हेल्प से आर निकालना था, यहां पर दो इक्वेशन में हमको ये पता करना है कौन सा एक्स ऑन वाई है और कौन सा वाई ऑन एक्स है। तो सिंपल देखो, इन दोनों में किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, वाई का। अभी इन दोनों में किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, यहां भी वाई का, तो इसका रेशियो क्या हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट 1 इसका 2, तो ये रेशियो 1:2 हो रहा है। इसका रेशियो क्या हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट 2 और इसका 3, तो ये 2:3 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1:1.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1.5। अब देखो इसमें वाई का कोएफिशिएंट बड़ा था, यहां भी वाई का कोएफिशिएंट बड़ा है, तो रेशियो में वाई की जगह पे यहां पर 2 आ रहा है और यहां पर रेशियो में वाई की जगह 1.5 आ जा रहा है। अब 1.5 और 2 में कौन बड़ा है, यस ऑफ कोर्स 2 बड़ा है, तो जो बड़ा है वो वाला हमारा इक्वेशन वाई ऑन एक्स हो जाएगा, क्योंकि वाई वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर एक्स प्लस 2y = 5 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नोटिस करिएगा जैसे ही ऊपर वाला हमारा y ऑन x हो रहा है तो ये जो नीचे वाला है ये अपने आप x ऑन y हो जाएगा। होप एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये ट्रिक्स। नेक्स्ट वन बोल रहा है इफ द टू रिग्रेशन लाइन आर सच एंड सच देन r इक्वल टू, सिंपल सा है भाई, देख लो दो रिग्रेशन है, इन दोनों में किसका कोएफिशिएंट बड़ा एक्स का, इन दोनों में किसका कोएफिशिएंट बड़ा वाई का, इट मींस यहां से हम बी एक्स वाई निकाल लें तो बी एक्स वाई हमारा आ जाएगा 1/3y, दैट इज 1/3, ये हमारा बी एक्स वाई का वैल्यू हो गया, और बी वाई एक्स हमारा कितना हो जाएगा यहां पे 6/8x, तो r इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बी एक्स वाई है 1/3 और बी वाई एक्स है 6/8, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो r मस्ट भी पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा, 3 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स, ये हमारा आ रहा है रूट ओवर ऑफ 1/4, रूट ओवर ऑफ 1/4, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1/2, क्या आंसर हो गया 1/2, दैट इज 0.5। चूंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये दोनों हमारा पॉजिटिव था इसीलिए आर भी पॉजिटिव होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर हो गया ये भी।
नेक्स्ट वन आइए, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन, स्केल एंड ओरिजिन बोथ, नन ऑफ दिस। क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारा? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन, आंसर हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, क्लियर हो गया, दैट इज ऑप्शन बी, ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वन देखो, बोल रहा है इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन अ स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इस तरह से, इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक दूसरे से जो है कोई डायरेक्शनल रिलेशन नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था जब कभी भी डायरेक्शनल रिलेशन नहीं होता है तो वहां पे कोरिलेशन क्या हो जाता है, इसको हम लोग जीरो कोरिलेशन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो कोरिलेशन, दैट इज ऑप्शन ए। द कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, याद रखिएगा दो वेरिएबल के बीच में जो हमारा कोवेरिएंस जो होता है ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या ये तीनों होता है। यस, आंसर हो जाएगा ये तीनों का तीनों होता है। मैंने बताया था कि जब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, तो इसको हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जब एक बढ़ता है और दूसरा घटता है, मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेरिएबल मूव कर रहा है, तो यहां पर परफेक्ट डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और जब कभी भी कोई डायरेक्शनल रिलेशन नहीं होता है तो वहां पे जीरो कोरिलेशन होता है, जिसको कि हम लोग स्पूरियस कोरिलेशन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दैट इज ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। चलिए 12 में आ जाइए, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज डिफाइंड बाय, देखो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला, 1 आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अनएक्सप्लेन्ड वेरियंस बाई टोटल वेरियंस भी होता है, और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरियंस बाई टोटल वेरियंस भी होता है। तो यहां ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। सॉरी, नेक्स्ट वन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोएफिशिएंट कोरिलेशन, आई मीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लीजिए एक बार, तो देखो यहां पर जो दिया हुआ है, इन केस ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक कोरिलेशन इज। तो यहां पर देखो ध्यान से कि स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल और डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। डायरेक्ट कैसे हो रहा है? डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा स्पीड उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा स्पीड उतना कम होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अब बोल रहे हैं अगर आर स्क्वायर इतना है तो ये पॉसिबल है या नहीं है, या दोनों है या कुछ नहीं है। तो सिंपल देखो भाई, एज आर स्क्वायर इक्व टू 500 by 300, ये कैंसिल हो गया, तो ये सॉल्व होने पे हमारा आ रहा है 3 - 5 / 3, आर स्क्वायर का वैल्यू है ये, और आर स्क्वायर कितना हो जा रहा है? -2/3। अभी बात बताओ, आर स्क्वायर इक्वल टू -2/3 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो बोल रहा है नॉट पॉसिबल, इट मींस ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है।
बोल रहा है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहां से कहां तक लाइज करता है, 0 to 1, -1 to +1, इंक्लूसिव दीज वैल्यूज -1 to 0 या बोथ ए एंड बी। हम सबको पता है आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करता है इंक्लूडिंग द लिमिट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। होप एकदम अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो नेक्स्ट 17 नंबर सम क्या बोल रहा है, इफ आर इक्वल टू 0.6 देन द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, एस कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। तो देखो 17 नंबर में अपने को कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन का फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर 0.6, सो 1 माइनस 0.6 दैट इज 1 माइनस 0.36। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.64, दिस इज द आंसर, यस ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट सम में आ जाइए, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द डैश ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो ये क्या है, ये जीएम का फॉर्मूला है। तो आंसर हो जाएगा जीएम, दिस इज द जीएम ऑफ, दिस इज द जीएम ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स एंड वाई इज दिस इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ। तो देखो 19 नंबर बोल रहा है द रिग्रेशन इक्वेशन एक्स एंड वाई इज 3x + 2y = 100 देन द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई इज, मतलब इस इक्वेशन के हेल्प से हमको बी एक्स वाई निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, एज 3x + 2y = 100। हम सबको पता है कि अगर हमको बी एक्स वाई निकालना है तो हमको एक्स इक्वल्स टू निकालना होगा, कॉन्स्टेंट हमको हटा दिए, और 3x = -2y। याद रखिएगा जब भी हम लोग को बी एक्स वाई निकालना होता है हम एक्स बराबर निकालते हैं, और यही अगर बी वाई एक्स निकालना होता है तो हम वाई बराबर निकालते हैं। तो 3x = this और x = क्या हो जाएगा, -2/3y। तो देयरफॉर बी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो रहा है, -2/3, दिस इज द आंसर। सॉरी, तो देखो हमारा बी एक्स वाई का वैल्यू पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का आज का लास्ट सम्स करने जा रहे हैं। अभी अभी किए थे इस टाइप का सम्स, उसमें हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकाले थे। वो वाले सम में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन निकाले थे, यहां पे हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालना है। तो एज आर इक्वल्स टू 0.6 देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इक्वल्स टू, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमारा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर। बस आर का वैल्यू 0.6 का होल स्क्वायर कर दो, सो द करेक्ट आंसर इज 0.36, दिस इज द आंसर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। होप सारे के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, उसके बाद हम लोग थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर इंडेक्स नंबर करेंगे, और लास्ट में हम लोग का टाइम सीरीज हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग अपना स्टैट्स का, स्टैटिस्टिक्स का सारा पोर्शंस कवर कर लेंगे। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैट्स के मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर अप टू कोरिलेशन एंड रेग्रेशन तक के प्रीवियस टर्म्स में जो क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व किए थे। आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट टॉपिक तक हम लोग
आज पूरा का पूरा जो भी मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर प्रीवियस टर्म्स के क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर वन से। जैसा कि क्वेश्चन देख के आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। क्या बोल रहा है इसमें, इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, होम वर्ड से अगर दो लेटर को हम लोग रैंडमली लेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर वुड बी वॉवेल। तो क्या संभावना होगा कि जो दो लेटर ले रहे हैं उनमें से कोई भी लेटर जो है वॉवेल नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लो भाई एक बार, सिंपल देखो क्या लिखा हुआ है, होम। ध्यान दो इसमें ये एच और एम ये हमारा कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम एच और एम में से कोई भी लेटर लेंगे तो वो वॉवेल कभी नहीं होगा। तो हम लोग को पता है फ्रॉम द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग का क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, हम इस दो कॉन्सोनेंट्स में से दो कॉन्सोनेंट्स को लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल हमारा जो है, ये चार लेटर का वर्ड है इसमें से हम कोई भी दो ले रहे हैं, कोई भी दो मीन्स दो कॉन्सोनेंट जो ले रहे हैं वो। अब देखो 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2C2 का वैल्यू 1 आ रहा है और ये हमारा 4C2 का वैल्यू जो है ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट सॉल्व किए इसको हम, तो देख लो हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, 1/6। आप लोगों को इसको नॉर्मल कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने सिखाया था कॉम्बिनेशन के क्लास में, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, ये हमारा हो जाएगा 1/0, इसका वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय ये 4, 3 अप टू फैक्टोरियल 2 तक, और यहां पे इसका वैल्यू 2 × 2। देखो ये 2 से ये 2 जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स जा रहा है, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है 1 × 1 डिवाइडेड बाय यहां पर 1 × 6। तो आंसर हमारा हो गया 1/6, जो कि हमने डायरेक्ट यहां पर ये सॉल्व किया था। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ये क्लास में ऑलरेडी ये सम्स हम लोग किए हुए हैं, मेरे मैट का ही सम्स है। सेकंड नंबर देखो बोल रहा है, अ बैग कंटेन 15 1 रुपीज कॉइन, 25 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। एक थैले में 1 रुपए के 15 कॉइन है, 2 रुपए के 25 कॉइन है और 5 रुपए के 10 कॉइन है। इफ अ क्वाइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर रैंडमली एक क्वाइन को सेलेक्ट किया जाता है तो पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ 1 रुपीज कॉइन, क्या संभावना होगा कि जो भी क्वाइन निकलेगा वो 1 रुपए का क्वाइन नहीं होगा। तो यहां पे देखो टोटल हमारे पास कितने क्वाइंस हैं, 1 रुपए के 15 कॉइन है, 2 रुपए के 25 कॉइन है और 5 रुपए के 10 कॉइन है। इट मीन्स टोटल हमारे पास 50 कॉइन है। अब इस 50 कॉइन में से 1 रुपए वाले क्वाइन को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो 35 कॉइन्स है वो या तो 2 रुपए के क्वाइन है या 5 रुपए के क्वाइन है। अब देखो कि अब थैले में से अगर हम 1 रुपए वाला क्वाइन को पूरा का पूरा हटा देते हैं तो हमारे पास टोटल 35 कॉइन्स बच रहा है। तो ये हमारा फेवरेबल केस हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल जो क्वाइन है थैले में वो कितना है, 50 है। ये जो कंडीशन आएगा, इस कंडीशन में जब भी कोई भी क्वाइन निकलेगा तो वो 1 रुपए का क्वाइन नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा 0.70। ये सम्स भी मेरे मैट के अंदर था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्स में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्स के पेपर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों के मैट का ही रहता है, कॉमन क्वेश्चन होता है। तो आप अच्छे से मैट को प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन इसमें दिखाई देंगे। जैसे ये वाला सम देख लो क्या बोल रहा है, द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11। तो इस टाइप के सम्स के लिए हमने प्रोबेबिलिटी में एक ट्रिक्स दिखाया था आप लोगों को, जहां पर ये पिक पे 7, ये हमारा
ये 2 है, यहां 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है. सिमिलरली ये 8 हो जाएगा, तो ये 9 है, ये वाला 10, दिस वन इज आवर 11 एंड दिस वन इज 12. टोटल प्रोबेबिलिटी 36 है. अब देखो 2 आने की संभावना 1 यहां पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अभी डाउनवर्ड है तो फिर से 5, 4, 3, 2, 1. अब देखो तो क्या बोल रहा है, 7 या 11, तो 7 आने का संभावना क्या है, 6 by 36, और 11 आने का संभावना 2, तो 2 by 36. ऐड कर दो भाई, आंसर हो गया 8 by 36. 4 के टेबल में ये 2 टाइम्स, 4 के टेबल में ये 9 टाइम्स, तो आंसर हमारा हो गया 2 by 9. दिस इज द आंसर. होप अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये भी देखो, ये वाला पैटर्न भी हम लोग सीखे थे क्लास के अंदर. अगर यही एंड वर्ड होता और की जगह, तो 6 by 36 into 2 by 36 करके सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट हम देखो बोल रहा है, इफ पी ए इक्वल टू दिस, पी बी इक्वल टू दिस एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, देन 5 PA union B. तो हम लोग को पता है कि पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. नोटिस करिएगा एक बार, पी ए का वैल्यू क्या है, 1/2, बी का वैल्यू क्या है, 1/3, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/4. अभी सॉल्व कर लो भाई, 2, 3 और 4 का एलसीएम 12, 6 times, 4 times, 3 times. आंसर आ गया हमारा 7/12. क्या आंसर आ रहा है हमारा, 7/12, दैट इज ऑप्शन सी. सिंपल फॉर्मूला पुट किए और उसके बाद वैल्यू डालें, आंसर आ गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जास्टिव. हम सबको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जास्टिव इवेंट दोनों का जो टोटल सम होता है, ये हमारा 1 होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 वेंसडे. एक चीज बताइए कि लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366, और एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7. तो बस 7 से इसको डिवाइड करो भाई, तो नोटिस करना 52 कंप्लीट वीक्स आ रहा है, ठीक है, तो इसमें तो वेंसडे रहेगा ही रहेगा. अब ये जो 53 वेंसडे है, इसके लिए ये जो 2 दिन है, ठीक है, ये 2 दिन हमारा क्या क्या हो सकता है, ये हमारा संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, या फिर वेंसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे हो सकता है. ये 2 दिन के होने की संभावना इन्हीं सब में से आएगा, ठीक है. तो ये हमारा जो टोटल हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, 7 हो रहा है. फेवरेबल केस क्या है, 53 वेंसडे. देखो तो कितना दफा यहां पे वेंसडे दिखाई दे रहा है, 1 और 2, मतलब 2 केस में. तो आंसर हो जाएगा 2/7, दैट इज ऑप्शन ए. याद रखिएगा, मैंने क्लास में भी जब ये कराया था इस टाइप का कम सम्स, जिसमें वेंसडे की जगह सैटरडे दिया हुआ था, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि लीप ईयर के अंदर 53 संडे से लेके सैटरडे तक कोई भी दिन आने की संभावना 2/7 है. याद रखिएगा, लीप ईयर के लिए डायरेक्ट आंसर लिखोगे 53 सैटरडे, संडे से लेके सैटरडे तक कोई भी दिन आने की संभावना 2/7, और यही अगर नॉर्मल ईयर होता तो इसका आंसर 1/7 हो जाता. नेक्स्ट बोल रहा है, राम इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स.
बोल रहा है तीन में से दो को जो है वो हिट कर रहा है, तो मान लिया कि ए है राम के हिट करने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 2/3। श्याम इज नोन टू हिट द सेम टारगेट इन 5 out of 11। श्याम 11 शॉट में से 5 को हिट कर रहा है, तो इसको बी मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा कितना हो जा रहा है 5/11। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट इफ दे बोथ ट्राई, दोनों ही ट्राई करते हैं तो कितना दफा जो है टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उनमें से दोनों के नहीं हिट करने से जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको माइनस कर देंगे तो हिट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सिंपल। तो एक बार पीए हमारा इतना है, पीबी हमारा इतना है, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना आ जाएगा 1 - 2/3। सॉल्व करने पे ये हमारा आ रहा है 1/3, और पी बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ जा रहा है 1 - 5/11, दैट इज 6/11। अब देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट वुड बी हिट बराबर, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 - p a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, चूंकि दोनों हमारा क्या है एक्सक्लूसिव है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है, तो यहां पे 1 - p a कॉम्प्लीमेंट इंटू p b कॉम्प्लीमेंट, तो 1 - a कॉम्प्लीमेंट कितना है 1/3, और बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 6/11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 3 से ये 2 times जाएगा, तो ये 2/11 सॉल्व होके आंसर हमारा आ रहा है 9/11। देखो 9/11 आ रहा है क्या आंसर, बुक में चेक कर लो भैया ऑप्शन में है कि नहीं, यस ऑप्शन ए, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल देखो क्या किए, बोल रहा है क्या कि राम 3 shot में से 2 shot को हिट कर रहा है, श्याम 11 में से 5 को हिट कर रहा है, तो क्या संभावना होगा कि दोनों एक साथ ट्राई करें तो कितनी दफा हिट होगा। तो इसके लिए हम क्या किए, हम टोटल प्रोबेबिलिटी से दोनों के हिट नहीं होने की संभावना को माइनस कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए एक बार क्या बोल रहा है, 2 unbiased dice आर थ्रोन टूगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 9। अभी अभी देखो, अभी अभी ये वाला सम्स किए, ये देखो डायग्राम में, ये वाला डायग्राम देखो, दो अनबायस्ड डाइस के लिए 9 आने की संभावना क्या है, आंसर 4/36। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 9 आने की संभावना 4/36। तो क्या आंसर लिखोगे, P ऑफ गेटिंग 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 व्हेन 2 unbiased dice इज थ्रोन, आंसर हो जाएगा 4/36, That is 1/9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
सम नंबर 9 में आ जाइए, बोल रहा है कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू 0.8 है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.3 दिया है, देन पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो सिंपल एक बात बताओ कि एज पी ए यूनियन बी दिस इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो, और पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है 0.8 इक्वल्स टू, पी ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेम वही 1 माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.3। बस अब देख लो एक बार, इसको इधर ला दो, तो 0.8 प्लस 0.3 माइनस वन इक्वल्स टू, माइनस अगर हम कॉमन ले ले इन दोनों के बीच में, तो ये हमारा पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो जाएगा। अब देखो दिस माइनस दिस, तो 2 से 1.1 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.9 आएगा, क्या आएगा, माइनस 0.9 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट, ये माइनस से ये माइनस चला गया, क्वेश्चन में क्या निकालना था, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो देयरफॉर पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या आंसर आ रहा है हमारा, 0.9। यस द करेक्ट आंसर इज 0.9, दैट इज ऑप्शन डी, क्या आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन डी। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको भी, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सिंपल हम लोग का था पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला पता है, और पी ए को हम लोग 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं और पी बी को 1 माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ था, वैल्यू पुट किए आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सम में आ जाइए, काफी इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन है, देखो ऑलरेडी क्लास में कराए थे, द टू ब्रॉड डिविजन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, यस द करेक्ट वन इज ऑप्शन ए, बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से याद है कि क्लास के अंदर में हम लोगों ने इस सम्स को सॉल्व किया था। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सारा डिस्कस किए थे हम लोग। नेक्स्ट, द टर्म चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर सिनोनिम्स, यस ट्रू है ये, चांस और प्रोबेबिलिटी जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वन, द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, हम लोग को पता है कि ये प्रॉपर्टी है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी आवर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज ऑप्शन ए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट वन देखिए, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बुक में ये वाला सम्स भी किए थे, रैंडम वेरिएबल में वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, ई एक्स माइनस म्यू, म्यू को हम लोग मीन बोलते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है और म्यू को कई जगह पे इस फॉर्मूला से भी डिनोट किया जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ
ए और बी, मतलब ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज वेरियंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, आइदर आप इससे भी यूज कर सकते हो या फिर इससे भी, तो आंसर हो जाएगा ए और बी, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय वाई इक्वल टू दिस, तो देखो एज वाई इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म को हटा दो और y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स और देन द एस डी ऑफ y, तो यहां पर देखो इस y इक्वल्स टू माइनस थ्री को हम मॉड में अगर रखेंगे तो ये प्लस थ्री हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ये y को जब हम लोग एस डी वाई करेंगे तो ये अपने आप थ्री एस डी एक्स हो जाएगा, तो देयरफॉर एस डी ऑफ y इक्वल्स टू थ्री इंटू एस डी ऑफ x, दैट इज ऑप्शन बी, 3 into SD of X। याद रखिएगा मॉड के अंदर में पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो दोनों ही क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1/6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स हमने क्लास में करवाया था, ये भी हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6 इन वन थ्रो क्या हो जाता है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1/6 क्या हो जाएगा, 1 - 1/6 दैट इज 5/6। एक बार जब हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आने की संभावना 1/6 होती है और एक 6 नहीं आने की संभावना 5/6 होती है एक बार में, ठीक है। तो जब एक बार में नहीं आने की संभावना 5/6 होती है तो 3 टाइम्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6, तो 3 टाइम्स में P ऑफ नॉट गेटिंग 6 इन 3 टाइम्स, एक बार में नहीं आने की संभावना 5/6 है तो 2 बार में 5/6 का स्क्वायर होगा तो 3 बार में क्या हो जाएगा, 5/6 का क्यूब, तो देयरफॉर पी एटलीस्ट 1/6 इन 3 थ्रोस, 3 बार में कम से कम एक 6 आने की जो संभावना होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी से एक बार भी 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो आंसर है 1 - 5/6 का क्यूब। सिंपल ध्यान दो, हम सबको पता है कि 2 अनबायस डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, सिंपल एक अनबायस डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो एक बार में 6 आने की संभावना 1/6 होता है, तो 6 नहीं आने की संभावना टोटल प्रोबेबिलिटी से 1/6 को माइनस करेंगे तो 5/6 होगा। अब एक बार में 6 नहीं आने की संभावना 5/6 है तो 2 बार में 5/6 का स्क्वायर होगा तो 3 बार में 5/6 का क्यूब होगा, मतलब 3 बार में 6 नहीं आने की यह संभावना है तो कम से कम एक 6 आने की संभावना 3 दफा में क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी से इस नहीं आने वाले को माइनस कर देंगे, दैट इज ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सम नंबर 16 में आ जाइए। पीए का वैल्यू दिया है, पी भी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है, अपने को पी ए बाय बी निकालना है। क्या निकालना है, पी ए बाय बी, ठीक है। तो जल्दी से देखिए इसका फॉर्मूला, तो देखो सिंपल एज पी ए बाई बी, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, देखो यहां पे नीचे में क्या बी है तो डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा पी बी। सेम यही फॉर्मूला अगर पी बी बाई ए होता तो फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए हो जाता, बस। अब यहां वैल्यू पुट करिए, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया है 1/4,
पीबी का वैल्यू दिया है 1/3। फर्स्ट इंटू फोर, सेकेंड इंटू थर्ड, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/4। दिस इज द आंसर 3/4। कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको भी। सिंपल देखो, पी ए बाई बी के लिए फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है, और यही अगर सेम टू सेम अगर ऐसे होता पी बी बाई ए अगर ये होता तो इसका फॉर्मूला हो जाता पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। ठीक है, जो नीचे में होता है वो यहां पे डिवाइड किया जाता है, ऊपर में इसमें और इसमें दोनों में सेम टू सेम। नेक्स्ट वन देख लो 3/4, दैट इज ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्या बोल रहा है। इफ फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी, ए यूनियन बी इतना है, पी ए बराबर इतना है, अपने को पी बी निकालना है। नोटिस करो ये क्या दिया हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हम सबको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यस जीरो होता है। तो बस एज पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नोटिस करिएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है 2/3, पी ए का वैल्यू दिया है 2/5, पी बी फाइंड करना है अपने को, और हम सबको पता है कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यस जीरो हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर दो भाई, तो 2/3 माइनस 2/5 इक्वल्स टू पी बी। अगले लाइन में देखो 3 और 5 कैल्सियम 15, तो यहां पर 10 माइनस 6 इक्वल्स टू पी बी। तो देखो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 4/ यहां पे और 4/15 इक्वल्स टू पी बी। इट मीन्स पी बी का वैल्यू कितना हो गया, पी बी इक्वल्स टू 4/15। दिस इज द आंसर, यस ऑप्शन ए। हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ रहा है हमारा, ऑप्शन ए। प्लीज जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट वन में आइए, बोल रहा अ बैग कंटेन 6 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स। थैले में टोटल कितने बॉल हैं, 11। वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल अगर हम निकाल रहे हैं तो ये बताओ कि हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 11 में से एक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड। अब एक बात बताओ कि फेवरेबल केस क्या होगा, रेड बॉल तो रेड में से ही आएगा ना, तो रेड बॉल कितने हैं, 5 है, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रेड में से कोई एक रेड बॉल को निकालना है तो 5 में से हम लोग कोई भी एक रेड बॉल निकालेंगे, तो ये 5 तरीका से फेवरेबल केस 5 हुआ, और टोटल हमारे पास 11 बॉल है, 11 में से एक निकालेंगे तो ये 11 हो जाएगा, आंसर 5/11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/11। याद रखिएगा, रेड में से एक रेड निकालें और टोटल 11 में से एक निकालें, ये फेवरेबल बाय टोटल वाला फंडा किए, आप या तो 5 में से एक डिवाइडेड बाय 11 में से एक करो, या डायरेक्ट आप 5 और 11 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन बोल रहा है कि पी ए का वैल्यू है इतना, पी बी का है इतना, पी ए यूनियन भी इतना है, ए इंटरसेक्शन भी निकालना। ऑलरेडी इससे रिलेटेड 3 सम्स हम लोग किए, तो एज पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी देखो चूंकि एक्सक्लूसिव नहीं है इसलिए यहां पे ए इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं होगा,
ए यूनियन बी की जगह पे 2/3, पी ए की जगह पे हाफ, बी की जगह पे 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और सबको सॉल्व कर दो भाई, 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जरा देखो क्या दे रहा है, 3, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहां पर 4 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सॉल्व होने पे क्या आ रहा है, माइनस 1/6 इक्वल्स टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस चला गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आवर आंसर इज 1/6। देखो तो आंसर हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 आ रहा है क्या, यस 1/6 आ रहा है। होप क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट में आ जाइए, बोल रहे 3 क्वाइन आर टॉस टूगेदर, 3 क्वाइन को अगर हम टॉस करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 क्वाइन को टॉस करने पे टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने आ जाएंगे, 8, ठीक है। कैसे बताया था, टोटल आउटकम्स का पावर नंबर ऑफ ट्रायल, हम सबको पता है, हम सबको पता है कि 1 क्वाइन को टॉस करने पे हमारे टोटल आउटकम्स 2 होते हैं, दैट इज हेड या फिर टेल, और 3 दफा अगर इसको हम कर रहे हैं तो टोटल आउटकम सैंपल स्पेस का क्या हो जाएगा, 8। अब यहां पर सैंपल स्पेस बना लो एक बार, 8 है तो 8 का हाफ 4 हेड 4 टेल, अब देखो भाई 4 का आधा 2, तो 2 हेड 2 टेल, फिर से 2 हेड और 2 टेल, अब 2 का आधा 1, तो हेड टेल हो गया, सैंपल स्पेस तैयार हो गया। ट्रिक्स बताए थे आप लोगों को, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, कितनी दफा एग्जैक्टली 2 हेड दिख रहा है, 2 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 2 हेड, 1 केस 2 केस और 3 केस, तो आंसर हो जाएगा 3/8। देखो तो आ रहा है क्या, यस ऑप्शन बी, एटलीस्ट बोलता तो 2 या 2 से ज्यादा, एटमोस्ट बोलता तो एग्जैक्ट 2 तक देखते, लेकिन यहां पे एग्जैक्टली 2 हेड बोला, मतलब जहां जहां सिर्फ और सिर्फ 2 हेड है वही चेक करना है। चलिए अब प्रोबेबिलिटी का लास्ट सम्स हम लोग कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी सम्स हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। बोल रहा है क्या, इफ एन अनबायर्ड डाइस इज रोल्ड वंस देन ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक बात बताओ, एक डाइस को थ्रो करते तो हमारे सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आता है, इस पूरे में मल्टीपल ऑफ 3 क्या दिख रहा है, 1 3 और 1 ये 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड इन फेवर क्या हो जाएगा, ऑड इन फेवर कितना हो जा रहा है, फेवरेबल केस यहां कितना हो रहा है, 2। अभी टोटल केस एक चीज ध्यान देना कि अगर इसका प्रोबेबिलिटी पूछता तो आंसर हमारा 2/6 दैट इज 1/3 हो जाता, ठीक है, इसको हम लोग 1:3 बोलते हैं, लेकिन यहां पे जब भी ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट फेवर बोलता है तो जो फेवरेबल आ गया उतना डिवाइडेड बाई टोटल माइनस फेवरेबल, तो टोटल केसेस कितने, 6, फेवरेबल को माइनस कर दो 6 - 2, तो यहां पे बचा 6, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2 = 1:2, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 1:2। फिर से समझो, जब कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता, अगर प्रोबेबिलिटी पूछता, सेम क्वेश्चन होता, बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आंसर हमारा हो जाता मल्टीपल ऑफ 3, 1, 3 और 6 है, तो फेवरेबल बाई टोटल दैट इज 2/6, आंसर 1/3, लेकिन यहां पे बोला ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग अ इवेंट, तो ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट अगर बोलता है तो फेवरेबल बाई टोटल माइनस फेवरेबल, तो फेवरेबल है 2, टोटल है 6,
माइनस फेवरेबल है टू, तो टू डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस टू दैट इज फोर, आंसर आ जाएगा वन बाई टू। जब भी ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट फेवर ऐसे करके करता है तो हम लोग इस तरह से आंसर निकालते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। अब हम लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स कर रहे हैं। देखो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला सम बोल रहा है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू डी एम डी एंड एस डी। आप लोगों को जब मैंने मेजर सब डिस्पर्सन कराया था तो वहां पर क्यू डी एम डी और एस डी का रिलेशन हमने बताया था, एज वी नो दैट रिलेशन बिटवीन क्यू डी एम डी एंड एस डी एस। हम सबको पता है कि क्यू डी एम डी और एस डी का जो रिलेशन है ये हमारा है 4QD equals to 5MD equals to 6SD। उल्टा कर दिए, सॉरी, देखो रिलेशन बिटवीन क्यू डी एम डी एंड एस डी में रिलेशन जो होता है ये हमारा होता है 4SD equals to 5MD equals to 6QD, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग को यहां पे QD, MD और SD का रिलेशन अगर चाहिए तो सिंपल सा चीज देखो, ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो स्टार्ट विथ ऑप्शन ए, यहां पे 12 पुट करो तो 6 into 12 ये 72 हो जाएगा, यहां पे 10 पुट करो तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। तो ये बताओ कि 50 और 72 एक दूसरे के बराबर होता है? नहीं, तो ऑप्शन ए पहले ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए पहले ही कैंसिल हो गया। अभी ऑप्शन बी देखो, क्यूडी है तो क्यूडी की जगह 15 पुट करो तो ये 90, एमडी की जगह पे 10 पुट करो तो 50, ये भी कैंसिल हो गया भाई। सेम यहां पे 10 पुट करो क्यूडी की जगह तो ये हमारा 60 हो रहा है, MD की जगह 15 पुट करो तो ये 75 हो जा रहा है। इट मीन दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। अभी जो लास्ट वाला ऑप्शन है एक बार इसको सेटिस्फाई करके देखो भाई, QD की जगह पे 10 पुट करो तो 6 इंटू 10 60, MD की जगह 12 पुट करो भाई 5 इंटू 12 यस 60 हो रहा है। अभी यहां पे SD की जगह पे 15 पुट करो तो 4 इंटू 15 यस 60 हो रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है यहां पे, 60 इक्वल टू 60 इक्वल टू 60, इट मीन्स हमारा जो रेशियो होगा QD, MD और SD का ये हो जाएगा 10 इज टू 12 इज टू 15। क्या हो जाएगा? 10 इज टू 12 इज टू 15। होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला आंसर। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है, बोल रहा है एरिया कवर्ड नॉर्मल कर्व बाय म्यू प्लस माइनस 3SD। नोटिस करिएगा इसका आंसर हमारा हो रहा है ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वाला जो है ये एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल कर्व इन म्यू प्लस माइनस 1SD के लिए होता है, 1SD का ये होगा और म्यू प्लस माइनस 2SD का ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मेरे मैट में दिया हुआ है, डायरेक्ट याद करने वाला है ये, इसके लिए कहीं से कोई फॉर्मूला नहीं है। म्यू प्लस माइनस 3SD का एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल कर्व होता है 99.73%, म्यू प्लस माइनस 2SD का जो एरिया कवर करता है नॉर्मल कर्व में ये 95.96% होता है और म्यू प्लस माइनस 1SD का होता है 68.28%। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन आइए,
बोल रहा है इफ एक्स इज अ बाइनोमियल वेरिएट विथ पैरामीटर 15 एंड 1 बाय 3 सेम टू सेम सम मॉड के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को मॉड इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू पी एन है यहां पे 15 प्लस 1 और पी दिया है 1 बाय 3 तो ये हमारा हो गया 16 बाय 3 दैट इज 5.33 मैंने बताया था कि इस टाइप का जब भी कोई सम्स आता है तो जब भी अगर ये होल नंबर नहीं होता है तो आंसर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो होता है तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी लेकिन यही अगर सपोज यहां पर एन की जगह पे 14 होता 14 प्लस 1 इंटू 1 बाय 3 होता दैट इज 15 बाय 3 और ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 होता तब इसमें दो मॉड हो जाते हैं एक जो ये आया है वो खुद और दूसरा उससे एक कम दैट इज 4 याद रखिएगा इस टाइप का भी सम हम लोगों ने बना लिया है जब भी इस टाइप का कोई भी सम्स आता है जब ये होल नंबर में आएगा तो रिक्वायर्ड मॉड जो होगा जो आया है वो होगा और उससे एक कम मतलब दो मॉड होगा वहां पे और जब भी इस तरह से होता है फ्रैक्शन में या डेसिमल में आता है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वही हमारा रिक्वायर्ड मॉड हो जाता है सेम टू सेम सम हम लोगों ने किया था क्लास में नेक्स्ट वन बोल रहा है इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम मीन एंड वेरियंस यस पॉइजन में मीन बराबर भी एम होता है वेरियंस बराबर भी एस डी का होल स्क्वायर दैट इज रूट एम का होल स्क्वायर तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइजन में मीन और वेरियंस बराबर होता है नेक्स्ट वन आइए क्या दे रहा है इफ फोर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एन पी ये देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे जो नंबर होता है वो एन होता है और ये वाला हमारा पी होता है यहां पर क्या बोल रहा है n इक्वल टू 4 एंड p x इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 p x इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ p इज सिंपल देखो इसको हम लोगों को कैसे करना है हम लोग का फॉर्मूला है यहां पे बाइनोमियल में n c x p का पावर x q का पावर n माइनस x होता है तो जब हम n c x करेंगे तो n हमारा 4 है तो as 4 सी एक्स की जगह पे आया है 2 4 सी 2 पी का पावर 2 और क्यू का पावर 4 माइनस 2 ये भी हो जाएगा 2 दिस इक्वल्स टू फिर से भाई यहां पे एक्स इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 सी 3 इंटू पी का पावर यहां पर क्या हो जा रहा है 3 और q का पावर 4 माइनस 3 दैट इज 1 अभी देखो यहां पे इससे ये चला गया इस पूरे टर्म से ये चला गया हमारा तो 4c2 का वैल्यू देखो क्या हो रहा है सॉल्व करो एक बार फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू यहां पर हमारा क्या बचा है q बचा है और यहां पे हमारा क्या बचा है 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू पी क्या बचा है हमारा पी अब देखो सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू क्यू दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू यहां पर 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 इंटू पी नोटिस करिएगा एक बार इस फैक्टोरियल 2 से ये चला गया फैक्टोरियल 3 से ये चला गया अभी p का वैल्यू हमको देखो फाइंड करना है तो सिंपल इस 4 से अगर ये 4 जा रहा है इस 3 से अगर ये 3 जा रहा है तो और q by 2 इक्वल्स टू हमको मिल रहा है p अभी हम लोग q को क्या लिख सकते हैं q इक्वल्स टू हम लोग को पता है कि p प्लस q इक्वल्स टू 1 होता है तो अगर हमारा q है तो q इक्वल्स टू हम 1 माइनस पी लिख सकते हैं तो q की जगह पे 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय 2
इक्वल्स टू पी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो 2p इक्वल्स टू 1 माइनस पी आएगा, और 2p प्लस पी इक्वल्स टू 1 नेक्स्ट लाइन में, और 3p इक्वल्स टू 1, तो ओनली p बराबर क्या हो जाएगा, यस 1/3। तो आंसर हमारा p का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1/3। देखो आंसर आ रहा है क्या, यस ऑप्शन सी, हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1/3। सिंपल, देखो फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एन पी एन इक्वल टू 4 एंड पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 पी एक्स इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू, तो सिंपल यहां पर देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर एन का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और यहां पे हम लोग जो है एक्स इक्वल टू 2 एक बार पुट किए, और इस जगह पे यहां पे एक्स इक्वल टू 3 पुट करके इसको सॉल्व किए, रिलेशन हमारा आ गया q/2 इक्वल टू p। बाइनोमियल में हम सबको पता है कि p को सक्सेस और q को फेलियर से डिनोट करते हैं, और दोनों का सम हमारा p प्लस q जो है ये हमारा 1 होता है, तो p प्लस q अगर 1 है तो q हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी। बस वैल्यू पुट किए आंसर आ गया, प्लीज कॉपी कर लीजिए एक बार इसको भी। ओके, नेक्स्ट सम में आ जाइए, अब काफी इंटरेस्टिंग है। अब बोल रहा है फॉर अ पॉइजन वेरिएट एक्स, पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 पी एक्स इक्वल टू 4, देन द एस डी एक्स इज, सिंपल देखो एस डी एक्स अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पे फॉर अ पॉइजन वेरिएट एक्स पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 पी एक्स इक्वल टू 4, देन द एस डी एक्स इज, हम सबको पता है कि पॉइजन वेरिएट का जो फॉर्मूला हमारा होता है, यहां पे दिया है एज पी एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 पी एक्स इक्वल टू 4। पॉइजन वेरिएट में हम लोग का फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स बाय फैक्टोरियल एक्स, ये हमारा पी एक्स का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो जरा इसको, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई का पावर माइनस एम इंटू एम का पावर एक्स की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 3 इंटू, अब यहां पे क्या है x की जगह पे 4 है, तो e का पावर माइनस m इंटू m का पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। बस अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, अब यहां पर क्या दिख रहा है, ये m स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 3 m टू दी पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24। अब देखो ये 3 से ये 8 टाइम्स जाता है, 2 से ये 4 टाइम्स जाता है, और m स्क्वायर से m 4 m स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमको, m स्क्वायर हमको 4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4। तो नोटिस करो अगर m स्क्वायर 4 है तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यस m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, दैट इज 2 हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, देन द एस डी ऑफ x इज, नोटिस करिएगा ये जो m है पॉइजन में इसको हम लोग वेरियंस बोलते हैं, तो देयरफॉर एस डी एक्स ब्रैकेट में रूट m इक्वल्स टू, हमारा आंसर क्या हो जाएगा रूट 2। चेक कर लो भाई आंसर हमारा आ रहा है क्या रूट 2, देख लो एक बार, देखो रूट 2 दिया है क्या, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल देखो पॉइजन का ये फॉर्मूला था हमारा पॉइजन वेरिएट का, पी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स बाय फैक्टोरियल एक्स, बस वैल्यू पुट किए इक्वेट कर दिए आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए इसको भी फटाफट।
चलिए नेक्स्ट सम में आ जाइए. सम नंबर 7 बोल रहा है द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी 4,1/3 इज इक्वल टू. बाइनोमियल में मीन का हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, एस मीन इक्वल्स टू इन बाइनोमियल आवर फॉर्मूला इज एनपी. यहां पे एन की जगह पे क्या दिया है 4 और पी की जगह पे क्या दिया है 1/3, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4/3. दैट इज ऑप्शन डी, दिस इज द आंसर. हम लोग को पता है ना कि जब भी बी ब्रैकेट में करके होता है तो ये वाला पोर्शन हमारा एन होता है और ये वाला पोर्शन हमारा पी होता है. तो बाइनोमियल में मीन का फॉर्मूला एनपी होता है, तो एन की जगह हमने 4 पुट किया और पी की जगह 1/3 पुट कर दिया. नेक्स्ट सम में आ जाइए. यस, सम नंबर 8 बोल रहा है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ Q1 इक्वल टू दिस एंड Q3 इक्वल टू दिस फाइंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 इक्वल्स टू क्या होता है, Q1 इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.6745 SD एंड Q3 इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.6745 SD. हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को. तो देखो सिंपल, यहां Q1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहां पर, और Q1 बराबर है 54.52. ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, करने का जरूरत ही नहीं है. ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. तो और Q1 का वैल्यू हमारा है 54.52 इक्वल्स टू म्यू माइनस 0.6745 SD एंड Q3 कितना है हमारा 78.86 इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.6745 SD. इन दोनों को ऐड कर दो भाई. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, बाय एडिंग क्या मिल रहा है, इस दोनों को ऐड कर दो भाई एक बार. (1,33.38 = 2μ) ओनली म्यू बराबर क्या हो जाएगा 133.38 / 2. दिस डिवाइडेड बाय दिस, देखो कितना हो रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 66.69 अप्रॉक्स. भाई चेक कर लो एक बार, 133.38 / 2. ये 66.69, तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, ये 66.69. तो देखो ये हमारा म्यू आया, म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं. तो अब हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन equals to median equals to mod. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर मीडियन बराबर मॉड होता है, और यहां पर ये जो म्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं. तो मीन अगर इतना आया है तो देयरफॉर क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है, फाइंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मीडियन इक्वल्स टू 66.69. दिस इज द आंसर. चेक करो भाई ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं 66.69. देख लेते हैं एक बार 66.69. यस, ऑप्शन सी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. होप ये भी समझ में आ गया होगा. तो देखो Q1 का ये वैल्यू है, Q3 का ये वैल्यू होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है,
इसके हेल्प से हम लोग जो है जो वैल्यू दिया हुआ था उसको लिख के म्यू हम निकाले, इसको कैंसिल कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड होता है। तो जब हमको मीन का वैल्यू मिल जाएगा तो उसके हेल्प से हमारा मीडियन अपने आप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट सम में आ जाइए। यस, सम नंबर 9 हमारा है, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन। हमने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में इस जगह पर जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो देयरफॉर मीन इक्वल्स टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 10। नोटिस करिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस जगह पे जो होता है वो मीन होता है और यहां पर जो होता है ये हमारा एसडी होता है। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी सम है आसानी से पुट करके बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सम में आ जाइए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5। मान लिए कि यहां पर Q इक्वल्स टू 1/5 है। Q क्या है, नॉट अ स्विमर, तो P क्या हो जाएगा, 1 - 1/5, इट मीन्स 4/5। ये 4/5 क्या है, स्टूडेंट इज अ स्विमर। अब क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 4 आर स्विमर, क्या संभावना कि 5 में से 4 स्विमर हो, तो पी एक्स इक्वल टू 4 बराबर हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एन सी आर, तो 5 सी आर की जगह पे यहां पे एक्स एन सी एक्स, तो 5 सी एक्स की जगह पे 4 इंटू पी, तो पी का पावर हमारा क्या हो जाएगा, पी कितना दिया हुआ है, एन सी एक्स, पी का पावर एक्स, क्यू का पावर एन माइनस एक्स, तो यहां पर पी क्या है, पी को हम लोग सक्सेस से डिनोट कर रहे हैं, तो पी का पावर एक्स मीन्स यहां पर वन बाय फाइव का पावर एक्स की जगह पे होगा 4 और क्यू हो जाएगा हमारा यहां पे 4/5 का पावर एन माइनस आर, एन सी एक्स ए का पावर एक्स, एन सी एक्स पी का पावर एक्स, क्यू का पावर एन माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एन माइनस एक्स अगर हम करेंगे तो 5 - 4 हो जाएगा। बाइनोमियल का भी एक बार फॉर्मूला लिख लो, सिंस पी एक्स इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है एन सी एक्स ई का पावर एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स। तो नोटिस करिएगा कि इस सम्स में यहां पर ये जो क्यू है जो कि नॉट अ स्विमर है इसको हम लोग फेवरेबल केस में डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पी डिनोट कर ले रहे हैं, यहां पर ये पी हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा फिर Q हो जाएगा। अगर P हमारा 1/5 है तो Q 1 - 1/5 दैट इज 4/5 होगा, तो कम से कम 5 में से 4 स्विमर हो, इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये एन सी एक्स पी का पावर एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स, तो N की जगह 5 है तो 5 सी एक्स की जगह 4, 5 सी 4 पी का पावर दैट इज 1/5 का पावर एक्स इट मीन्स 4 और q का पावर n माइनस एक्स दैट इज 4/5 का पावर 5 - q। दिस इज द आंसर, चेक कर लो भाई आंसर आ रहा है क्या, 5c4 1/5 का पावर 4 और 4/5 का पावर 1, यस आ रहा है। ये सॉल्व होने पे आएगा हमारा 5c4 1/5 का पावर 4 इंटू 4/5 का पावर 1, ये हमारा आंसर आएगा, चेक कर लो एक बार, ये आंसर है ऑप्शन सी। होप अच्छे से समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट वन में आ जाइए,
द वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन एन टी, वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी क्यूब होता है, तो यहां पर एन पी स्क्वायर है कैंसिल, एन पी माइनस ये भी कैंसिल, एन क्यू वन माइनस पी, तो देखो एन पी की जगह पे चूंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू वन होता है तो बाइनोमियल के अंदर में, तो पी की जगह पे क्या हम वन माइनस क्यू लिख सकते हैं, तो एन पी की जगह पे वन माइनस क्यू और क्यू की जगह पे क्यू तो है ही, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एन क्यू वन माइनस क्यू, ये हमारा वेरिएंस हो गया वी इक्वल टू। नेक्स्ट वन में आइए, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी अभी हम बताएं आप लोगों को कि एस Q1 equals to mu minus 0.6745 SD, ये होता है, तो अपने को फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है, दिस इक्वल टू म्यू की जगह पे यहां पे क्या दिया हुआ है 10, तो यहां पर 10 माइनस 0.6745 इंटू SD की जगह पे यहां पे इससे हम फाइंड करेंगे, याद रखिएगा यहां पे रूट ओवर ऑफ 72 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 6√2 आ जाएगा, ठीक है, और फॉर्मूला इस जगह पे होता है एस डी रूट ओवर ऑफ 2π, तो अगर हम 72π अगर लिखते हैं तो ये यहां पर 6√2π आ रहा है, इट मीन एस डी की जगह पे कंपेयर कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो इसकी जगह पे 6 पुट कर दीजिए, बस अब सॉल्व करिए, टेन माइनस दिस इंटू सिक्स करो भाई एक बार, 0.6745 इंटू सिक्स इक्वल्स टू 4.047, अभी 10 माइनस 4.047 दिस इज इक्वल टू 5.953, तो इक्वल्स टू 5.953 अप्रोक्स। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी सी डी, यस ऑप्शन सी 5.95, देखो 5.953 क्लियर हो गया, ये अप टू टू डिजिट तक देखो तो टू डिजिट में 5.95 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। सिंपल देखो यहां पे इसके हेल्प से जो है रूट ओवर ऑफ 72 पाई था, इस जगह पे हमेशा याद रखना एस डी रूट ओवर ऑफ 2 पाई होता है, ये 1/1 एस डी रूट ओवर ऑफ 2 पाई हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस जगह पे फॉर्मूला में होता है, तो एस डी की जगह पे हमारा 6 आ रहा है तो एस डी 6 हो गया और म्यू की जगह पे 10 है तो यहां पर 10 पुट कर दिए, बस वैल्यू पुट किए आंसर आ गया। जल्दी से नेक्स्ट सम में आ जाइए, बोल रहा है एन एग्जांपल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, यस बाई पैरामेट्रिक मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही आउटकम्स हो, ठीक है, डिस्क्रीट में क्या क्या आता है हमने बताया था कि बाइनोमियल और पॉइजन दोनों ही डिस्क्रीट में आता है और कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो यहां पर बाई पैरामेट्रिक जब यूज किया है तो आंसर हमारा हो जाएगा बाइनोमियल, करेक्ट आंसर इज बाइनोमियल, दैट इज ऑप्शन ए। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हमारा डिस्क्रीट है कंटिन्यूअस है, तो देखो यहां पर बोल रहा है कि ये डिस्क्रीट है कंटिन्यूअस है इनफाइनाइट है या नन ऑफ दीज है, तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों होता है, तो बेटर होगा ये जो फोर्थ नंबर जो ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया गया है इसकी जगह पे अगर दिया रहता बोथ ए और बी, बोथ ए और बी अगर ऑप्शन हमारा रहता, ठीक है, तो ये ज्यादा हमारा जो है सुटेबल आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों ही होता है, तो आंसर होगा बोथ ए और बी।
अब बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जेड इक्वल्स टू जीरो टू जेड इक्वल्स टू वन इज दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज करवाए हुए थे ये फाइव वन इक्वल्स टू हम सबको पता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हम लोग का जो डायग्राम इस तरह से जो होता है ये ठीक है माइनस यहां पर हमारा प्लस इन्फिनिटी है ये हमारा माइनस इन्फिनिटी है यहां भी 0.5 टोटल एरिया यहां भी टोटल एरिया 0.5 तो जो भी पॉजिटिव में 0.5 में उतना ऐड कर दो तो इसको ऐड करेंगे 0.3412 तो देखो ऐड करके हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 0.841 कितना हो जाएगा 2 अप्रॉक्स देखो ऑप्शन बी यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.3412 दिया है इसको अगर 3 कर दोगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 0.8413 इस टाइप का जब भी सम्स होता है याद रखना अगर ये चीज पॉजिटिव दिया है तो 0.5 में ऐड हो जाएगा अगर नेगेटिव दिया रहेगा तो इसको माइनस कर देते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 0.8413 दैट इज ऑप्शन बी ये सम भी हमने कराया था क्लास में मैक्सिमम आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी सम्स हम लोग कर रहे हैं सभी के सभी सम्स हम लोगों ने क्लास में किए हुए हैं ठीक है अब देखो यहां पर फिर से ये जो सम्स कराए थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट कंटिन्यूअस इनफाइनाइट नन ऑफ दिस तो हमने आपको बताया था कि बोथ ए और बी यहां पर देखो एन एग्जाम्पल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज तो इसमें वह हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या दोनों ही तो बाई पैरामेट्रिक अगर बोल दे रहा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाई पैरामेट्रिक एकमात्र क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो करेक्ट आंसर इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बस ये हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी सारे के सारे सम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ये टॉपिक हम लोग का है इंडेक्स नंबर अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर सो अब जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये है इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज देखो इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज से भी अप्रोक्स 2 to 3 मार्क्स का या कभी कभी 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इज हम सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी जो होता है ये 4 होता है कौन कौन सा नंबर 1 यूनिट टेस्ट दूसरा टाइम रिवर्सल तीसरा फैक्टर एंड द लास्ट वन इज सर्कुलर टेस्ट तो इसका आंसर हमारा हो गया 4 दैट इज ऑप्शन सी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए बॉयलिस इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज हम सबको पता है कि बॉयलिस इंडेक्स नंबर जो होता है वो लेस्पियर और पास्चेस का एवरेज होता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए क्लियर हो गया ये क्लियर है नेक्स्ट वन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फीसर आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई फीसर जो है इसको हम लोग आइडियल इंडेक्स कहते हैं ये यूनिट टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये दोनों ही सेटिस्फाई करता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी तो हमारा थर्ड का आंसर हो गया सी दैट इज बोथ ए एंड बी याद रखिएगा यूनिट टेस्ट लगभग सभी करता है ठीक है फीसर्स को हम लोग आइडियल इंडेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है तो यहां पर यूनिट टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल दोनों है इसलिए बोथ ए एंड बी दिए हुए हैं फोर्थ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय सर्कुलर टेस्ट सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव मीन ये दोनों से करता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी फोर का आंसर हो गया ऑप्शन बी नेक्स्ट सम नंबर 5 में आ जाइए
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो यूज टू फाइंड रियल वेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ, ये हम लोगों ने क्लास में किया हुआ था, डिफ्लेक्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. तो आंसर इसका क्या हो जा रहा है, ऑप्शन सी. फाइव का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी. सेकेंड वन, लेस्पियर एंड पास्चेज मेथड डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट. लेस्पियर और पास्चेज जो है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं. तो सिक्स का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन में आ जाइए, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल आर, ध्यान दो, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल आर, ये दोनों ही क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स है, आइडियल इंडेक्स है, प्राइस रिलेटिव है, आई मीन प्राइस इंडेक्स है, या टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है. तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ आर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी. टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी चार हमने बताया था, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट. तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, दैट इज ऑप्शन डी. तो सेवन का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन बोल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कॉमनली नोन एज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यस, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो कंज्यूमर इंडेक्स नंबर को हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहते हैं कॉमनली, दैट इज ऑप्शन डी. ये हमारा आंसर हो गया. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी सम अभी तक हम लोग इंडेक्स नंबर के अंदर और टाइम सीरीज के अंदर कर रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए, एक सिंगल क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आया है. आप समझ सकते हो कि कितना कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में करते हैं वो एग्जाम्स में आते हैं. यही रीजन है कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि जो जो मैं करा रहा हूं उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा. लाइक सम नंबर नाइन बोल रहा है, विच इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर. मैं बार बार बोल रहा था, फीसर को हम लोग आइडियल इंडेक्स कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, यूनिट टेस्ट को तो ये करता ही करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाइए, लेस्पियर इंडेक्स नंबर इक्वल टू 90 और पास्चेज इंडेक्स नंबर इक्वल टू 160 दिया है, फीसर्स निकालना है. तो हम सबको पता है कि फीसर इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ एल इंटू पी, ये हमारा फॉर्मूला है. तो एल की जगह यहां कितना है, 90 है, और पी की जगह यहां कितना है, 160 है. तो जरा इसको सॉल्व कर दो भाई, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखो एक बार, 90 इंटू 160 जो आ रहा है इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है 120. क्या आंसर आ रहा है हमारा, 120. देखो ऑप्शन में है क्या 120, यस ऑप्शन बी. देखो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. इसमें देखो एक एक्स्ट्रा करके भी हमने लिखा है यहां पे, एक्स्ट्रा में देखो यहां पे ये 250 और यहां पे पास्चेस का वैल्यू दिया हुआ है, देखो यहां पर 160. सेम यही क्वेश्चन अगर होता, लेस्पियर की जगह पे अगर मान लो 250 और पास्चेस की जगह पे 160 होता, तो इसको हम 250 into 160 कर देते. ये भी आया हुआ है ईयर में, प्रीवियस पेपर में. तो देखो 250 into 60, तो 250 का स्क्वायर रूट 50 और 60 का स्क्वायर रूट हमारा 40. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता 200. ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाले सम्स का आंसर है 200. और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर, इसका आंसर है 120. दैट इज ऑप्शन बी. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए. समेशन P0Q0 का वैल्यू है 240, PNQN का वैल्यू है 480, PNQ0 का वैल्यू दिया हुआ है 600 और P0QN का वैल्यू दिया है 192. अपने को लेस्पियर निकालना है, तो लेस्पियर का फॉर्मूला होता है PNQ0 by P0Q0 into 100. तो देखो PNQ0 600 है, तो यहां पर भाई 600 पुट कर दो into 100 डिवाइडेड बाय P0Q0 का वैल्यू क्या है 240. तो बस 60 से ये 10 टाइम्स, 60 से ये 4 टाइम्स, 4 से ये 1 टाइम, 4 से ये 25 टाइम्स. तो हमारा आंसर कितना हो जा रहा है भाई, आंसर हमारा हो जा रहा है 250. दिस इज द आंसर. देखो कितना आसान था, आसानी से हमने बना लिया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, क्लियर है ये. अब बोल रहा है ये हमारा टाइम सीरीज का सम आ गया, द एडिटिव
टाइम सीरीज मॉडल इज, टाइम सीरीज मॉडल में जो एडिटिव टाइम सीरीज मॉडल का फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है y इक्वल टू t प्लस s प्लस c प्लस i, दैट इज ऑप्शन ए। और यही अगर मल्टीप्लीकेटिव हो जाता तो t इंटू s इंटू c इंटू i हो जाता। क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक चीज याद रखिएगा, टाइम सीरीज से हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा, कोई भी हमारा जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन उससे नहीं आएगा। नेक्स्ट वन बोल रहा है द सिंपल एवरेज मेथड इज यूज टू कैलकुलेट। सिंपल एवरेज मेथड हम लोग क्या चीज के लिए यूज करते हैं? तो सिंपल एवरेज मेथड जो है हम लोग सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक वुड गो अप इन समर्स एंड गो डाउन इन विंटर। हम सबको पता है कि गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का सेल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जाड़े में सेल जो है वो कम हो जाता है। तो ये सिंपल जो है ये सीजन का प्रभाव पड़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये सीजनल वेरिएशन। ये किसका एग्जांपल है? सीजनल वेरिएशन, दैट इज ऑप्शन सी। ये भी टाइम सीरीज का ही क्वेश्चन था। सम नंबर 15 देखो बोल रहा है, इफ द 1970 इंडेक्स विथ बेस 1965 इज 200। देखो 1970 का इंडेक्स जब हम 1965 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये है 200, और 1965 का इंडेक्स जब 1900 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा हो जा रहा है 150। अब पूछ रहा है क्या कि 1970 को 1960 से कंपेयर करो, तो सिंपल सा बात है कि 1965 का इंडेक्स अगर 150 है तो 1900 का बेस कितना होगा? 100 होगा। तो सिंपल सा चीज है कि जब यहां पर हंड्रेड है तो 200 दिखा रहा है, तो 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 200/100। तो सिंपल सा चीज है भाई, जब ये 150 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? जब इंडेक्स 150 होगा तो ये कितना होगा? तो 200 इंटू 150/100 कर दो भाई, तो आंसर हो जाएगा 300। सिंपल ये सम लोगों ने क्लास में किया हुआ था, तो करेक्ट आंसर हमारा 300 हो गया। सिंपल सा ध्यान दो कि जब इंडेक्स 100 है तो 1970 बेस जब 100 है तो 1970 का इंडेक्स 200 है, तो जब बेस 1 होगा तो ये 200/100 हो जाएगा। तो 65 के इंडेक्स से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि जब बेस 150 हो जाएगा तो 1970 का इंडेक्स कितना बढ़ जाएगा? तो जब ये 150 हो जाएगा तो 1970 का इंडेक्स जो है 300 हो जाएगा। रेशियो वाइज भी कर सकते थे, यहां पर देखो 100 और 200 है तो ये हमारा 1:2 है, तो सिंपल 150 होने के लिए 1:2 रेशियो होने के लिए मस्ट भी यहां पर 300 होगा, तभी ये हमारा 1:2 होगा। होप एकदम क्लियर हो गया होगा ये भी। सम नंबर 16, फॉर द ईयर 2015 प्राइस इंडेक्स वॉज 267%। 2015 में प्राइस इंडेक्स हमारा 267% है, बेस 2005 से कंपेयर करके बोल रहा है क्या कि ये बताओ कितना बढ़ा है? तो सिंपल बेस को हम 100 मानते हैं, तो 267-100 जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 167%। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बोल रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ बेस टाइम पीरियड सर्व एज ए स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। यस, जब तक हम लोग को सुटेबल बेस नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग कंपेयर करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो ये हमारा एब्सोल्युटली ट्रू है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हमने बताया था आप लोग को कि बेस सर्व एज ए स्टैंडर्ड, बेस सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंपेयर करने के लिए बेस जो होता है वो स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट वन बोल रहा है, इन सेमी एवरेज मेथड इफ द नंबर ऑफ वैल्यू इज ऑड देन वी ड्रॉप। 2019 नवंबर का ये क्वेश्चन है। सिंपल सा देखो, सेमी एवरेज मेथड में जब हमारा नंबर ऑफ वैल्यू ऑड होता है तो हम लोग मिडिल टर्म को ड्रॉप कर देते हैं। किसको ड्रॉप कर देते हैं? मिडिल टर्म। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया मिडिल टर्म, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है ये? नेक्स्ट वन में आ जाइए। सीजनल वेरिएशन कैन ऑकर विद इन अ पीरियड ऑफ, सीजनल वेरिएशन एक साल के लिए होता है तो आंसर हो जाएगा 1 ईयर, दैट इज ऑप्शन सी। सीजनल वेरिएशन का आंसर हमारा आंसर हो गया 1 ईयर। सीजनल वेरिएशन कैन ऑकर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर होता है।
ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देखो लास्ट सम नंबर 20 ऑलरेडी हम लोग जब एडिटिव मॉडल किए थे उसी समय मैंने बताया था कि एडिटिव के लिए हमारा फॉर्मूला जो है टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई होता है, तो मल्टीप्लीकेटिव के लिए हमारा हो जाएगा टी प्लस सी प्लस सॉरी टी इंटू होगा ये टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, दैट इज ऑप्शन डी। यहां पर करेक्ट आंसर है टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, दैट इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। होप सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज इस प्रकार से हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के सेकेंड क्लास में मॉडल टेस्ट पेपर के जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स थे, दैट इज प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज, इन सभी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी हो तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आप लोगों के डाउट्स को मैं तुरंत क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वंस अगेन विश यू ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।